अरे बस करो सरपंच जी, बस करो, इतने पानी की क्या जरूरत है, है? और हमें तो पानी की बहुत जरूरत है एसडीओ साहब। देखिए, इस नहर का 75% पानी आपको मिल रहा है ना, उन बेचारों को भी कुछ लेने दो, 25% तो पानी बचा उनके पास। आपकी परसेंटेज हम बढ़ा देते हैं, आप उनकी घटा दो। एसडीओ, हमारी जमीन भी तो बहुत है ना, 2.5 एकड़ जमीन आती है पल्ले में उनके। पर नहर के पास की जमीन आपकी है ना। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है ये हमारा काम नहीं करेंगे, लगता है ये मसला आपको हल करना पड़ेगा। लो सरपंच साहब, हल करने के लिए कौन सा अलजबरे का सवाल है सरपंच साहब, एक तरीका है मेरे पास। अगर नहर का पानी चाहिए ना, तो नहर वाली जमीन का हल निकालो। क्यों हंसने वाली बातें करते हो सरपंच साहब, नहर वाली जमीन पता है किसके दम पर चलती है? चक्की कुएं वाले के। चक्की कुएं वाला। मैं विमला कुमारी आपका स्वागत करती हूँ प्रोग्राम मेरा गांव मेरे खेत में। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं लुधियाना जिले के एक गांव बुल्लेवाल खुराक के एक सफल किसान जगजीत सिंह जी से, जो कि जैविक खेती में माहिर है। नमस्ते जगजीत सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। मैडम जी, मैं ना कैमरे के आगे ना पहली बार आया हूँ, थोड़ी ना मुझे शर्म आ रही है। आप जल्दी जल्दी सवाल पूछो जी, पूछना भी मेरी खेती के बारे में। ठीक है जगजीत सिंह जी, तो आप हमें ये बताइए, ये जो कद्दू का इतना बड़ा आकार है, इसका क्या कारण है? कद्दू को छोड़ो जी, आप मूली के बारे में पूछो। ठीक है जगजीत सिंह जी, आप हमें मूली की पैदावार के बारे में बताओ। आपने नाम तो पूछा ही नहीं मेरी मूली का जी, इसका नाम मिस रेडिश है जी। ठीक है जगजीत सिंह जी, आप हमें ये बताओ कि मिस रेडिश कैसे उगाई जाती है? नहीं, कैसे छोड़ो जी, आप ये पूछो क्यों उगाई जाती है। ठीक है, नहीं आप छोड़ो जी, मैं आपको खुद बता दूँ ये क्यों उगाई जाती है। ये देखो जी, मिस रेडिश ने छोटे छोटे किसान उगाते थे, मैंने सोचा अगर खेती करनी है तो थोड़ी सी आधुनिक की जाए। बिमला जी, जैसे हम अपने बच्चों को प्यार से खाना खिलाते हैं और पालते हैं और वो जवान हो जाते हैं, ऐसे जी इनको प्यार से और बढ़िया खाद से पालना पड़ता है, तभी ये जवान हो जाती है। ठीक है, हाँ जी मैडम जी। ये थे हमारे जगजीत। नहीं, नहीं, हमारी कद्दू वाली बात बीच में रह गई थी, वो आपने पहले पूछी थी मेरे से। नहीं, फिर कभी करेंगे। मेरे पास मूंगफली भी है। नहीं, नहीं, तो ये थे जगजीत सिंह जी, जिन्होंने हमें अपनी खेती के खोजों के बारे में बताया। नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। सफल किसान, मेरा गाँव मेरे खेत। चिट्टे दंद, वो चिट्टे दंद हसनो नहीं रेंदे, तिलों की पैड़े शक कर दे। ये सुनो फिर सार्थी का भड़कता होगा ना। वैसे रूप, लोग समझते हैं कि गाना सुनकर सिर्फ डांस ही बाहर निकलता है ना रूप, अरे इन बिचारों को क्या पता है दूध भी ऐसे निकलता है रूप। वैसे रूप को रे, तुम्हारे नखरे आजकल ना फिल्मी स्टारों के जैसे बढ़ते जा रहे हैं। जो पंजाब में बिजली के हालात हैं, अरे तू तो दूध दिया करेगी, बुधवार के बुधवार बिजली आएगी, गाने बजेंगे, फिर रूप जी मिल्क प्रोड्यूस करेंगी। बाबा सवाल कोई मत पूछना, जिस गांव से तू आया है सेल्फ मार और उसी गांव को वापिस हो जा, शाबाश चलो। बेटा जी, ये सरकारी मंडी है, अरे तू कैसे रोक सकता है मुझे यहाँ सब्जी बेचने से, हाँ? बड़ा आया पापा। गोरखालैंड
सेंटर पॉइंट संभालेगी। अटैक हैंडसम। तूने बाबा की गोबिया क्यों गिराई बे? ओए ये क्या चीज है यार? सरपंच साहब का लड़का है, फौज में भर्ती होने गया था, टांगे घर ही छोड़ा आया। ओए सरपंच ने इसे पैदा किया है या ऑर्डर पे बनवाया है? यही खड़े रहना, बुला के लाता हूँ तेरे बाप को। पहले तू तो खड़ा हो जा, जा बुला के ले आ। ये क्या कर रहा है यार, आवाज नहीं लगा सकता था, डूब गया था ना। किसान भाई किसके लिए हैं? ये लो अब सन बात भी लेनी पड़ेगी। हाँ जी आप सुनाओ, मिल रहा है प्रोटीन? हो रही है मस्तियाँ? अरे ये कौन रख गया? ओ अच्छा, अरे ये तो मैंने ही ग्रोथ प्रोसेस में डाला था। ओ अब तो मैं इतना ही बड़ा है तू? तुझे बड़ा हो गया कद्दू बनना है कि नहीं बनना? या बना दूँ तेरे में परौंठे? डर गया। ऐसा करो हाँ। तुम इधर से जाओ हाँ। और मैं उसको पीछे से घेरता हूँ। चलो ठीक है चलो। बैगी दूर की तैयारी बना के जो मर्जी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा आज कहीं। अगर तू फौजी नहीं बना तो तू सारे गांव को छावनी बना दे लड़ लड़ के। यार तू जल्दी चल हमारे साथ। अरे लड़ाइयों में पढ़ के सफल किसान नहीं बना जाता। यार उन लोगों ने हमको बहुत मारा है, बेइज्जती भी की हमारी। और ये जग्गी का कुआ है, कोई जलालुद्दीन अकबर का आम दरबार नहीं है जहाँ मुलजमों की तकलीफें सुनी जाती है। सरपंच को थाने में ले जाकर रिपोर्ट लिखवाओ। अगर यही कुछ करना है तो खेती बाड़ी तो नहीं होगी मुझसे। यार बूढ़े पापा की सब्जियां गिरा दी उन्होंने, तेरी सब्जी भी नहीं बिकने देंगे मंडी में। तो फिर मैं क्या करूँ? फिर तो सारे गाँव ने एक ही सुर पकड़ा होता है। भाई जग्गी तो पागल है, भाई जगी तो हिल गया है। हिले हुए आदमी की बातों का क्या गुस्सा कर? ओ जैसा तू मामला निपटाता है ना वैसा बढ़िया तरीका पंचायत के पास हो भी नहीं सकता। ओए जगी जो आज नहीं गए तो ये मामला बढ़ता ही जाएगा। हाँ। कल वो मेरे मक्के के खेतों को काटेंगे, परसों तेरे खेतों से मूलियां उखाड़ देंगे। कर्जे ले लेके तो हमने अपनी फसलें उगाई है, उनको काटने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? फांसी लगा के मर जाएंगे यार अपने गाँव के किसान। बाजरा मिलेगा नहीं, जानवर भूखे मर जाएंगे यार। सोच तेरे रूप और प्रीत का क्या होगा। अगर वहां पे लड़ाई होगी तो फिर गांव की बात तो ठीक है, अगर मेरी लड़ाई वाली बात जलंधर दूरदर्शन तक पहुंच गई तो यार मेरा करियर तो ऐसे खत्म होगा जैसे गरीब की छत गिरती है बरसातों में। मैं नहीं जा सकता भाई। ठीक है फिर, या करियर बचा ले या गांव बचा ले। हाँ। अरे यार तुम ट्रैक्टर निकालो मैं करता हूं बात। याद रखना पापा, अगर ट्रैक्टर निकाला तो सारी उम्र घर से बाहर निकलने को तरसेगा, सोच लेना। दिया तो तूने धक्का ही नहीं मैं, अभी झगड़ा क्यों बढ़ा रहा है? तू ताए से माफी मांग ले, बात खत्म कर, निपटा देते हैं बात। हाँ ऐसा करो कि नाक से पांच पांच लकीरें खींचो, निपट गई बात। और सेवा बता। मैं कर रहा हूं ना बात, ये तो फिर झगड़ा निपटाने वाली बात ना हुई ना। ओ फौजी तू इस जग्गी को लाने की बात कर रहा था? तूने पहले भी तो मारा है ना इनको एक बार। बिमला मैडम का कहना है कि दवाई के दोहरे असर से छुपा हुआ कीड़ा तो मर जाता है, कभी कभी फसल का झाड़ भी मर जाता है। अरे भाई मत मार धक्के, वो आ जाएगा।
कौन आ जाएगा? लो भी सफल किसान के अब हैंड्स अप हैं। अब गेम चलेगी लंबी। आखिरी बात संभाल लो। कुत्ता जितना बड़ा हो हड्डी उतनी ही डालनी चाहिए। ऐसे शर्माया मत कर, सब जरूरत होती है तो बुला लिया कर। अरे शर्माता कौन है भला, मैं तो तुमसे डरता हूँ भाई। मुझे तो लगा था कि तू सिर्फ डरपोक है, तू तो मेंटल भी है सरदार। पहले भी तो समझाया था पर कहां समझते हैं ये। जी सरदार जी, सरदार के साथ जी जरूर लगाना चाहिए। सरदार जी, सरदार जी, कुर्ते या चादरे के बिना नहीं यार मुंडे करे भंगड़ा, सखियां परांदे वाली मिलके जमाए देखो रंग तगड़ा, रंग तगड़ा, रंग तगड़ा। कुर्ते या चादरे के बिना नहीं यार मुंडे करे भंगड़ा, सखियां परांदे के लिए ही हमें सब कहते हैं यहाँ सरदार जी। एक के लिए ही सदा आहे भरते, प्रेमियों के साथ नहीं दगा करते, करते हैं वादा हम पक्का सोनिए, आशिक नहीं है दुनिया से डर, इसके लिए ही हमें सब कहते हैं यहाँ सरदार जी। किकली कलीर दी पग मेरे वीर दी, दुपट्टा भरजाई दा फिटे मूं जवाई दा। ये गाना गाने से गुस्सा चला जाता है? हाँ जी डॉक्टर मैडम, ये गाना गाने से अथरा चला जाता है। अथरा? हाँ जी, मैंने उसका नाम अथरा रखा है। ये अथरा कब से दिख रहा है तुम्हें? ये मैडम मैंने पांचवी में था जब मैं पहली बार देखा था। इतनी सी ऊंचाई होती थी उसकी। छोटी सी जुड़ी सिर्फ, काले रंग का रुमाल। पर स्वभाव से बड़ा खतरनाक था जी। ये अथरा जब आता है तो डर लगता है तुम्हें? अरे वो भूत थोड़ी है जो डर लगेगा मुझे। और सुनो, शरीर कांपता है जब वो आता है? आपको लगता है कि मुझे दौरे पड़ते हैं मैडम जी? अरे मैं बीमार थोड़ी हूँ,
अरे जब मुझे गुस्सा आता है वो तब आता है मैडम जी। हाँ वो मेरी कभी घटिया सलाह लेके भी आ जाता है मैडम जी, पर मैं जल्दी बात नहीं मानता उसकी मैडम जी। आप ऑस्ट्रेलिया कैसे आए? यार मतलब मुझे जाना पड़ेगा। जाने का मतलब मेरा मामा है ना ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने स्पॉन्सरशिप भेजी है मुझे। यहाँ से सीधा जा रहा हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया, जहाज से ऑस्ट्रेलिया। अरे उतर जा नीचे, क्या जल्दी पड़ी है तुझे जहाज चढ़ने की। अरे तू सच में जा रहा है बब्बू? या I'm going। ठीक है भाई, बब्बू भी हमारे लिए शैंपू लेके साल की साल आया करेंगे। मेरे वीर थी तो पट्टा पर जाए था फिटे मुझे वही था। अब जो मर्जी पूछा मुझे मत छोड़ना चाह। पूरा गांव बुला रखा है थाने में। एसएचओ साहब, ये आपके थाने में कोई कायदा कानून है कि नहीं? हमारे जवान लड़के मरते मरते बचे हैं, अभी पर्चा काटो इंस्पेक्टर साहब। पर्चा होगा और आज ही होगा, और होगा भी मोटा। और धारा लगेगी 307, 323, 324 और 326। पारसी भर्ती जब 307 लगती है तो 506 पक्की लगती होती है। ओ ठीक है ठीक है, थोड़ा धीरज रख, इतना उतावला क्यों हो रहा है? जितनी धाराओं का तुझको पता है ना, उससे भी ज्यादा ही लगाऊंगा। अरे सुनो जग्गी को तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा। पर्चा होगा तारे भोला और बब्बू पर। हवलदार जी जनाब, डाल इनको अंदर। चलो बे। पर सुनो, गांव के लोग जानते हैं इनको मैंने अकेले ने मारा है, पर्चा तो मुझ पे बनता है। बाबूजी तुम तो कहते थे कि जग्गी हिला हुआ है, जग्गी पागल है, ये तो बड़ा जिम्मेदार आदमी है। ये देख लो तुम सबके सामने यारों के वास्ते अंदर होना चाहता है। तुम ही बताओ तुम्हें किसने पीटा है? ये सब लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। है आपके पास कोई मौके का गवाह? हाँ है, हम खुद हैं गवाह मौके वारदात के। तुम्हें क्या लगता है बे पुलिस झूठ बोलती है? आपकी सारी बात समझ गया मैं थानेदार साहब। अब ये भी बता दो कि साफ सुथरी पुलिस की गवाही से मुकरने का क्या लोगे? तो फिर सुनो, सामने वाली पार्टी का फैसला है कि अगर तुम नहर वाली जमीन इनके लिए छोड़ दो तो राजीनामा हो सकता है। ओकी वाली जमीन तो आप आधे से ज्यादा पहले तबाह कर बैठे हो, अब बाकी भी छोड़ दे, हम लोग क्या करेंगे, झुंझुना बजाएंगे। तो ठीक है फिर, एक काम करो तुम जमीन का मोल दे दो। 1.5 करोड़? कुछ भी नहीं है, 1.5 करोड़ कोई बहुत ज्यादा है। आधे गांव की जमीन बिक जाएगी 1.5 करोड़ इकट्ठा करते करते। अरे सीधी सीधी बात करो थानेदार साहब, कहां से जमा करेंगे इतनी जल्दी 1.5 करोड़ रुपए? ना 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 ना, हम तुम्हारे साथ अन्याय थोड़ा करेंगे। तुमको 6 महीने का टाइम देते हैं। ओ ये बिल्कुल नाइंसाफी है, मैं ये बात कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। सफल किसान, पूरे गांव में धू हो गई, पता तो अब चलेगा सिर्फ लड़ना आता है या फिर थोड़ा बहुत दिमाग भी है, और पुलिस तो कुछ भी रिपोर्ट बना सकती है। असली बात तो ये है कि जिसने उनको मारा है, हर जाना भी उन्हीं को भरना। और अगर अपने दोस्तों की खैर चाहता है तो नहर वाली जमीन के कागज लेकर 10 बजे से पहले आ जाना, नहीं तो मैं इन तीनों की पर्ची काट दूंगा। जग्गी भैया रोटी लेकर आया हूँ।
जल्दी से इसे खा ले। इसमें 480 रुपए हैं। मैंने स्कूल के नए बस्ते के लिए जमा किए थे। वैसे पुराना वाला बस्ता 6-7 महीने और चल जाएगा। तो बस्ता ले लेना। मेरे बाबूजी कहते हैं जग्गी जैसा बहादुर बेटा किस्मत वालों के घर पे ही पैदा होता है। मेरे बाबूजी पता नहीं क्यों मुझे गाली देते रहते हैं। मैं भी बड़ा होकर एक सफल किसान बनूंगा, बिल्कुल तुम्हारे तरह। ओहो, मैं तो खीर लाना भूल ही गया, अभी लेकर आता हूँ। मामा जो भी चले जाते हैं वो तारे क्यों बन जाते हैं? सब लोग वहाँ है। पापू में सारी रस्सियाँ कुएं में फेंक दूंगा। तारा सिंह, कुलदीप सिंह उर्फ भोला, बलविंदर सिंह उर्फ बब्बू, 6 महीने तक गांव की हद से बाहर मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। राजीनामे पर साइन कर दी ना अपने बाप वाली बात। मुश्किल वक्त में ना उसने कभी सही फैसला लिया था ना इसने लिया। एक गलती उसके एक गलत फैसले का बोझ मैं अब तक अपनी छाती पे ढो रहा हूँ। भार मैं भी ढो रहा हूँ। यही मौका है वो बोझ उतारने का। अरे सब फैसले हमेशा दिल से नहीं होते, दिमाग से भी होते हैं। पूछो इसको, अरे पूछो इसको, कौन लाएगा 1.5 करोड़ रुपया? पप्पू मामा को फोन करो ऑस्ट्रेलिया, उनको बोलो चक्की आ रहा है ऑस्ट्रेलिया। गाँव खेत कुआं अपनों को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा।
अगर अपनों को छोड़कर अपनों का कुछ बनता हो तो सौदा बुरा नहीं। मैं बहुत समझदार तो नहीं होता यार, पर इतनी बात तो जरूर जानता हूं, फैसले हमेशा दिल से होते हैं, दिमाग से तो व्यापार होता है। बहुत मुश्किल हो गई भांजा। हाँ। वैसे एक बात तो है कि किसान को अपनी जिंदगी में तकलीफ बहुत उठानी पड़ती है, बोलता नहीं। Got you. जग्गी बेटा, अगर 1.5 करोड़ कमाने हैं तो कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी तुझे। अरे मैं कौन सा बिजली बोर्ड में लैंडमैन लगाऊं जो मेहनत से डरूंगा। मामा जी मेरा गांव और मेरा खेत देखता हूं और जी भर के मेहनत करता हूं। ये पकड़ लिया चोर, ये पकड़ लिया चोर, पकड़ लिया चोर, पकड़ लिया। चक्की जी, आपने परमिशन ली है मुझे उठाने के लिए? अच्छा, गलती हो गई, सॉरी मैडम। वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया, अब उठाओ। उठा ले भाई, उठा ले भांजे। चले फिर, चलो आ जाओ। बल्ले 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 बल्ले, लाओ भी चखाओ ऑस्ट्रेलिया वाले परांठों का स्वाद। हाँ खा। क्यों शेरी जी? एक्सक्यूज मी, इट्स शाइनी। कितनी तेज लड़की है भाई, इतनी शरारती है ये, कितना सताया इसने हमें रंग बिरंगी फिंड मार के। हाँ जी, फिंड। बॉल बेटा, बॉल, खेलने वाली, समानार्थक शब्द, हमारी संस्कृति, समझ आई? जग्गी बेटा, इसको क्या पता संस्कृति, अंग्रेजी आती है सिर्फ। चलो वो भी गुड है ना, आपको हिंदी आती है, इसको अंग्रेजी आती है, अच्छा सुमेल है। Now what is smell? अब सुमेल बता इसे क्या होता है। कॉम्बिनेशन बेटा, कॉम्बिनेशन, जैसे मामा के मूछों के साथ कोट, मम्मी के सूट के साथ स्पोर्ट्स शूज, और परोंठो के साथ कोक। ओ मैं कहना जी, क्या बात है, क्या लगता है शैनी जी? तेजा जी, एक लड़का भेजना था आपके पास। Of course, निकली जग्गी जी, but you don't think, बातों बातों में तुम लेट हो रहे हो? It's your first day of the job, dude. मुश्किल काम है, तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने हैं 1.5 करोड़ रुपए कमाने के लिए। मुश्किल नहीं डॉक्टर मैडम, बहुत मुश्किल काम है। 5 महीने 10 दिन तो निकल ही गए। What? तुमने 5 महीने किया क्या? तू चीज पड़ी है मस्त मस्त, तू चीज पड़ी है मस्त। What you doing? कैसा लगा? Take a jam. आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से, काम धाम तो आता है नहीं, घूंगा एक चपेट घुमा के। Stupid villager. क्या कहा तूने? Stupid? Yes, stupid. Villager? अपने आप को बड़ा ही सरदार समझता है। Ooh yeah. जग्गी जी, आप पंजाब के इतने बड़े सफल किसान हैं, आपको वही काम करना चाहिए था, वो तो आपको अच्छे से आता है। वो भी तो किया था। फेंडा? अरे खेती। मैं 10 दिनों के लिए यूरोप टूर पे जा रहा हूँ। हाँ जी। और मुझे लगता है कि मैं तेरे भरोसे फॉर्म छोड़ के जा सकता। हाँ जी विकी भाई। हाँ जी, पर एक बात का ख्याल रखना जग्गी, ये ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द राइजिंग फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए।
हाँ जी चलो सी यू गाइस एंजॉय करो। शुक्रिया भाई जॉब के लिए, गुड लक, सत श्री अकाल जी। आओ विक्की भाई, बहुत सा सरप्राइज है आपके लिए। वो ये क्या डाल रहा है प्लांट्स को? भाई घर की खाद बनाई है मैंने, सूखे पत्ते, बची हुई चाय पत्ती, 5-7 कीच केंचुए, कच्चे अंडे और लस्सी। देखो महाराज भाग खुल जाएंगे, ये देखो। हमारे पौधों के लिए जूस। जग्गी वो बैग उठा और फर्टिलाइजर डाल, ऐसे ही डिस्ट्रॉय करेगा मेरे पौधे। बॉस, he know what he's doing. He is a genius. Let him try. Rosemary, I've done my degree from Agriculture University of Australia. So don't try to teach me. भाई दुगने पेड़ उगे हैं पक्का। मेरे परदादा जी भी यही खाद डाला करते थे खेतों में। मेरा गांव मेरे खेत की बहुत तारीफ की थी बिमला मैडम जी ने, यही खाद थी। तूने बहुत काम कर लिया, आउट नाउ। भाई मुझे यहाँ से मन निकालो, मेरा बहुत मन लगा है यहाँ पे। आई एम ऑल्सो अ फार्मर, डू हेल्प विद योर मन, योर दादा, योर परदादा और तेरा सारा गाँव, और भाड़ में जाए तेरा जलंधर दूरदर्शन। मैं तो दादा के बारे में ना सुनूं, और तू जलंधर दूरदर्शन को बुरा कह रहा है? डेढ़ करोड़ और 20 दिन, ये तो बैंक लूट कर ही पूरा हो सकता है। ओ, धीरे बोलो मैडम जी, अगर कहीं अथरा ने सुन लिया ना, फिर वो सीधा बैंक की तरफ निकल जाएगा। आप पैसों की फिक्र छोड़ो मैडम जी, बस अपना रिपोर्ट में ऐसा कुछ लिख दो कि पुलिस वाले कहें कि जग्गी अब बिना गुस्से के कहीं भी काम कर सकता है। जिस एंगर मैनेजमेंट रिपोर्ट के लिए कोर्ट ने आपको यहाँ भेजा है, हाँ जी, वो मामला मैं संभाल लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डोंट वरी, मैं अब जाऊं जी। जी, ओहो, मेन बात तो भूल ही गया था मैं, वो जो जग्गी पागल है, वो जो बात बताई थी ना मैंने आपको, हाँ? वो लिख के ना फाइल में डाल देना, वो कोर्ट कचहरी में बहुत काम आती है मैडम जी। ओके। हाँ जी, थैंक यू जी, सी यू ऑन मंडे। ठीक है मैडम जी, चलता हूँ। बहुत ही आंखें फाड़ फाड़ के देखने की जरूरत नहीं है मुझे, यहाँ की लड़कियाँ ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। ओ गवार, मुंह उठा के आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया है? तू तो पक्का इंडोनेशिया के थ्रू ही आया होगा बोट में बैठ के, ब्लडी इलीगल। बहन जी 65,000 की टिकट आती है दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया की, अभी तक संभाल के रखी है मैंने घर पे। बंटे को फिर आऊंगा मैं चेकअप के लिए, कहो तो तुम्हें दर्शन करवा दूं लाके। तेरे जैसे गवार तो सिनेमा की टिकट भी 2-2 साल संभाल के रखते हैं, प्लेन की टिकट तो तूने बैंक के लॉकर पे रखी होगी। ओह, पर बैंक का लॉकर तभी मिलेगा जब बैंक में अकाउंट होगा। ब्लडी $10 एन आवर वर्कर। पग मेरे वीर की दुपट्टा पर जाई था, पेटे मुझे वही था, इकली इकली थी। डर गया। भाई कहाँ रुकती हैं बातें, कहाँ छिपी रहती हैं, धीरे धीरे पहुंच ही जाती हैं गांव। अरे उसने 3 सिर वाला बछड़ा दे दिया जो गांव में खबर पहुंचाएगी। अरे एक बात मंत्रियों के जैसे बड़ा चढ़ा के मत बोला कर, मैं बहुत दुखी हूँ यार। जहां तक मुझे याद है वहां पे आसपास कोई भी इंसान नहीं था। क्या हुआ फिर, अपनी अकड़ गाँव में छोड़ाया? ओ इतनी बड़ी बात नहीं है भाई मेरे, 2-4% लड़कियां पागल होती हैं, वो उन्हीं में से थी। ओ 1-2% लड़के बुद्धू और मूर्ख भी होते हैं, और तू उन्हीं में से है। बताइए क्या केस है? डॉक्टर साहब सोनी बाहर बैठी है। ओके। मेरी बड़ी बहन की बेटी। Da-da-da, da-da-da, da-da-da.
Your time is up. My time is now. You can see me now. I'm shining now. बचपन से ही उसको एंगर प्रॉब्लम है। अगर ऑस्ट्रेलिया में लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बहादुरी वाली बात है? $5 का तेरा टॉप है, $10 की तेरी घसी पिटी पैंट है जो फटी हुई है। अगर मैंने तेरी तरफ देख लिया तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया यार? तू भी मुझे देख ले, तेरी आंखों में काला मोतिया उतर रहा है। हमने काफी सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, पर पिछले एक साल से उसकी कंडीशन वर्स्ट हो गई है। दो टके का इलीगल मुझे घूर रहा है। मैं चाहे इंडोनेशिया से आऊं, चाहे हुलुलुरु से आऊं, तुम्हारा क्यों दिल दुख रहा है? ओके, जॉब करती है या स्टडी करती है? वो बच्चों को जूडो कराटे सिखाती है। मेरे पेट में दर्द हो रहा हो, तेरे को जरूर होगा। डोंट वरी, हमारे पास ज्यादातर डिस्टर्ब पेशेंट्स ही आते हैं, स्पेशली मैं। योर टाइम इज अप, माय टाइम इज नाउ, यू कैन सी मी नाउ, आई एम शाइनिंग नाउ। वैसे एक बात है डॉक्टर साहब, हमारी सोनी सेंसिटिव बहुत है। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेस हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, हमने अपनी सोनी को 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिनना सिखाया है। दैट्स वेरी गुड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बल्ले शेरनी है, अब आएगा मजा। पर डॉक्टर साहब वो बहुत जल्दी गिनती खत्म कर देती है। कॉमन प्रॉब्लम, आप चिंता ना करें, सोनी को अंदर बुलाइए। I'm sorry, जकी, मैं इतना झूठ नहीं बोल सकती, अब तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा। Dr. Tina, would you like to say something on behalf of the client? Yes, Your Honor. कागज निकालो, उससे बात बन जाएगी। Keep quiet. जैसा जगी तो पागल है, जगी तो हिला हुआ है, और हिले हुए आदमी की बातों पर क्यों गुस्सा करना जनाब? Doctor, could you please explain to me what he is saying? Yes, Your Honor. He is simply trying to say that I am a madman and nobody should be mad at a madman. हंस रहे हैं जनाब, यहाँ क्यों? ये तरीका काम करता है, मुझे पता है, मैंने हंसवाया है। Doctor, please explain this to him. थैंक यू। क्या कह रहे हैं जज साहब, जकी से खुश हैं? जज ने आपको कम्युनिटी सर्विस की सजा दी है, तुम्हें वो जॉब करनी पड़ेगी जिसमें बच्चों से डील करनी पड़ती है, जिससे तुम्हारा सबर बढ़े, टू कंट्रोल योर एंगर। टीचर बनना पड़ेगा? आइसक्रीम बेचनी है। कुल्फी बेचनी है? अच्छा, कम्युनिटी पनिशमेंट, तो जज ने तुम्हें कम्युनिटी पनिशमेंट दी है? हाँ। मेरे पल्ले तेरे जैसे ही पड़ते हैं। चल ठीक है, मैं तुझे आइसक्रीम ट्रक दूंगी, मंथली रेंट $1,000 लगेगा, दे सकता है? महीना तो पता नहीं निकलेगा या नहीं। अरे बोल। हाँ जी, दे सकता हूँ जी। तो बोलते क्यों नहीं? बोल रहा हूँ जी। बोल रहा हूँ, तुम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, ना हिंदी ठीक से बोल पाते हो और ना अंग्रेजी। हाँ जी, पंगा तो है जी। चल कोई बात नहीं, सीख जाएगा। वैसे सीख कर करेगा क्या, मैंने क्या कर लिया? मैं बैठ जाऊँ आंटी जी? अरे बैठ जा, बैठने के लिए ही है। शुक्रिया जी। हाँ तो बेटा, बात ये है कि ये ट्रक मेरे फादर इन लॉ के बाद मेरे पति ने बहुत चलाया। हाँ जी। अगर इस पर एक भी खरोच आई ना तो ठीक है जी। ठीक है आंटी जी। आंटी जी कोई और शर्त? हेलो,
आंटी जी मुझे शर्त मंजूर है जी। अरे आंटी तू मर गई, फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। भाग ले जग्गी, अरे सबूत तो यही रह गया था। ए! अगर खरोचाई तो तू अपनी जेब से फाइन भरेगा। हाँ जी, नहीं, नहीं। वहाँ फ्रिज के पीछे फोटो के पास चाबियाँ पड़ी है, जा ले ले। अच्छा जी। ड्रेस भी वही है, वो भी पहननी पड़ेगी ना। अरे हट जा। मुझे शॉल लेनी है या चुन्नी। बाकी अंदर की खबर यह है कि इस ट्रक से रेस नहीं लगानी है क्योंकि 60 के ऊपर यह गर्म हो जाता है। जग्गी, 5 साल पहले हमारे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में घाटा हो गया था, उन्हीं दौरान तेरे मामा जी की मुलाकात एक तेजा नाम के बंदे से हुई थी। हम उससे 5 लाख डॉलर्स लोन लेकर फंस गए। इन्होंने एक एक डॉलर जोड़ के उसके सारे पैसे वापस कर दिए। उसके लोग रात को आए थे फिर से पैसे लेने के लिए। मामा जी हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है किसी से। अरे यार तू चुप कर जग्गी, ये बाहर के मुल्कों के मसले ऐसे हल नहीं होते। तू अपनी पंजाब वाली यहाँ मत चला। हाँ तो मैं अगर ऑस्ट्रेलिया अगर भी यही कुछ है ना तो क्या फायदा ऑस्ट्रेलिया आने का। आओ हम रिपोर्ट करते हैं पुलिस को। अरे उस तेजा बदमाश ने धमकी दी है, अगर पुलिस के पास गए तो शाइनी को नहीं कर सकते। बेटा तू नहीं जानता उसको, वो माना हुआ बदमाश है शहर का। ओए कभी कभी अपनी अकल भी लगा लिया करो। हम कोई गली मोहल्ले के गुंडे नहीं हैं जो लोगों को धमकाते फिरे। I'm sorry भाई। बस तू ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़ा कर मेरे सामने। अबे मेरे आसपास पहले क्या कोई कम अंग्रेज हैं? जी करता है गोली मार दूं तुझे। बच्चे को उठा, बच्चे को क्यों नहीं उठा कर लाया? भाई साहब इतना गुस्सा मत करो भाई साहब। आप जानते हैं गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। आप चिंता मत करो, अगर डॉलर नहीं आया तो हम कुछ करेंगे नहीं, बच्चे को उठा के लेके आएंगे ना। बकवास बंद कर, टॉपिक चेंज कर। समझो लोग कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। मैं कहता हूँ जिसने पेशावर नहीं देखा अच्छा किया नहीं देखा ना। ए जा, आज तुझे पठान बताएगा कि डाका कैसे डालते हैं। चाचा मैं तो कहता हूँ आज का डाका पोस्टपोन कर देते हैं, अंदर का माहौल मुझे ठीक नहीं लग रहा। अबे बदमाशों के अड्डों पे माहौल खराब ही होता है। हम किसी बाबा सिर के हकीम के पास दवाई लेने नहीं आए जहाँ खामोशी होगी। चाचा जी बाबा सिर के हकीम के पास किसी की आवाज नहीं निकलती। नहीं सिर्फ सिसकियां निकलती हैं, सिसकियां। ये साली बीमारी ही ऐसी है कि आदमी आड़े टेढ़े मुंह तो बना सकता है पर शर्म से किसी को बता नहीं सकता। चाचा आपको इस बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से पता है। अबे बकवास बंद कर, गधे तुझे कोई शक है? जल्दी बेहोशी के गोले फेंको।
अबे गधे अबे बीच में क्यों आ गया डाके में हड्डी। ओए कौन है तू और अंदर कैसे है? प्रताप सिंह ट्रांसपोर्ट वाले से पैसे मांगने बंद कर दे। तू उसका मामा लगता है? वो मेरा मामा लगता है। देख मेरे गले का इलाज चल रहा है। देख गले का इलाज हो जाएगा, टूटी हड्डियों का सिर्फ परहेज होता है। प्रताप सिंह के घर अगर तेरा कोई भी आदमी पैसे मांगने गया, ये तुम जो पैसे गिन रहे हो मैं ये भी ले जाऊंगा, जो अभी तक नहीं गिने मैं वो भी ले जाऊंगा। अरे जा, अरे समझ गया। आपने मुझे बुलाया जगी जी? मैं क्यों बुलाऊंगा तुझे यार, यहाँ पर कोई लड़ाई चल रही है जो मैं तुझे बुलाऊंगा? इतना बड़ा मत्थे पे काला टिक्का लगा रखा है, सारी गिनती भुला दी मेरी। इतना गुस्सा? तो थोड़ा चिल करो जगी जी। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर $200 को 200 बार गिनोगे तो 200 ही रहेंगे, बढ़ तो जाएंगे नहीं। ये मेरे डॉलर है यार, मैं इसको चाहे 1000 बार गिनूं। चला चलते हैं, यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव है, अगर यहाँ से 1.5 करोड़ रुपया लेकर जाएंगे गाँव तो तेजा मर नहीं जाएगा। अरे इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा मूर्ख। अच्छा मैं मूर्ख हूँ? तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, तुम्हारे नाम पर तो लाइब्रेरी खुली है यहाँ पे, सारा दिन उल्टी सीधे स्कीमें बनाता रहता है बैठकर, मरता मर जाऊंगा पाप की कमाई नहीं लेके जाऊंगा गाँव। वाह भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, कहीं ब्लड कैंसर तो नहीं हो गया? ओ तेजा ने पैसा निर्मा सर्फ बेच के नहीं कमाया, लोगों का लहू निचोड़ कर कमाया है। अरे जा यार बाहर जाके कहीं घूम के आ, फ्रेश हवा में दिमाग भी तेरा फ्रेश हो जाएगा, गंद निकलेगा तेरे दिमाग से। हमें क्या है भाई, 7 दिन रह गए, उधर गाँव वाले तेरी राह देख रहे होंगे, नहर भी जाएंगे, नहर वाली जमीन भी जाएगी। वैसे दिमाग चलना तो तेरा बंद हो गया, मैं तेरे को बोल दूं, फिर भी थोड़ी सी अकल चला, लोगों का पैसा है लोगों को दे देंगे हम। बाकी भाई तुम्हारी मर्जी है, हम तो ऑलवेज खड़े हैं, जब भी खड़े हैं तेरे साथ, एक आवाज लगा देना आ जाएंगे, हमारा क्या है, मर्जी है तुम्हारी। अच्छा मेरी बात सुन, जा यार। कमाल है, चले जाते हैं। हेलो अंकल, टाइम से फोन किया करो, हमें सोना भी होता है। शरीफ फोन नीचे रख, डांट खानी है तूने? हाँ जी भाई, किससे बात करनी है आपको? अरे रोको रोको, यहीं पे रोको, उतरो भाई जल्दी उतरो। ओए वो देख, चल भाई 1 लीटर तेल डाल जल्दी करो। अरे क्यों रे फौजी, आज भी तुम्हारा बाहर और तेल फिर भी ओनली लीटर हैं? ओए बंडल के बंडल, भर भर का डॉलर आ रहा है बाहर से, अब तो चाहो तो पेट्रोल पंप से कुएं तक सीधा पाइप डाल लो। चक्की, वो पैसे लेके आ रहा हूँ मैं। ओ हाली, ओ चढ़ के ट्रक बिच आई नहीं, मैंने सुख नहीं जापती। ओ ओ ओ हरी पाव। अरे फौजी मेरी बात तो सुन ले, वो 10-10 के नोट करा के रखना, स्टेज पर बारेगा तेरा यार। सबसे बड़ा पोस्टर लगाएंगे जगी, सबसे ऊंचा पोस्टर, सबसे ऊंचा। मैंने कहा फुकरों वाली बात कोई रहने नहीं देंगे। अरे पैसा बहुत आ गया जगी के पास। चाचा ये डाका वाका अपने बस की बात नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था नकली सीडियों का कारोबार शुरू कर लेते हैं, अब तो पाकिस्तान में बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड को भी बहुत पसंद करते हैं। ऐसे ही नहीं कहते, जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ, और जिसने पेशावर नहीं देखा। अरे खुदा के वास्ते चाचा जी,
हम पाकिस्तानी हैं, लाहौर भी देखा है, पेशावर भी देखा है, वो क्यों बार बार यही बात सुनाते रहते हो? मेरे बच्चे, मैं तुझे सुनाता नहीं हूँ, मेरे मुंह से निकल जाता है क्योंकि ये मेरा तकिया कलाम है। और पठान चाचा का गैंग हौसला नहीं हारेगा, डायरेक्ट अंदर जाएगा। चलो इसका मतलब है कोई पूरी प्लानिंग कर रहा है। ओए, वो ये तो वही है जो कल आया था। जल्दी ढूंढो इस लड़के को, उम्र 26-27 साल, जो आइसक्रीम का ट्रक चलाता है। जल्दी जाओ। चाचा पड़ गए चोरों को मोर, अब चूस लो आम। वारे तकदीर, उगाई थी भिंडी और उग गए खीरे। चाचा मैंने तो आपको पहले ही कहा था, ये डाका वाका अपने बस की बात है नहीं। तो जो तेरे बस की बात है वो कर ले। ढूंढो पंजाबी लड़का जो कुल्फियां बेचता है। चलो मासी जी, जिस दिन का मैं 1 साल से इंतजार कर रही थी वो दिन आ गया। मैं एक जरूरी काम के लिए जा रही हूँ, वापस आ जाऊंगी, आप मेरी फिक्र मत करना। लॉन्ग फोर्ड मैं चलने वाली हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया है, मैंने टिकट करवा ली है, मेरे पास टाइम कम था। एक छोटा सा काम करके मैं इंडिया चला जाऊंगा, पंजाब पहुँच कर फोन करूँगा। आपका शुक्रिया। शाइनी को प्यार। नमस्कार जी, आपकी मंजिल यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। इतनी दूर तो मैं खुद कभी नहीं गई। चाचा 8 समोसे खा लिए, 6 गलत गाड़ियां पंचर कर दी। आपने इधर आना कि नहीं आना, नहीं तो पुलिस ने आ जाना यहाँ। जल्दी आओ। ओह माय गॉड, अभी मैं सोचता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, तुम रुको। ओह नॉट हिम। आपको दिखाई गई जैक है तेरे पास। आपको थोड़ी सी शर्म भी आ रही होगी, एक इलीगल $10 घंटा कमाने वाले से चेक मांगा जा रहा है। ओ तू दफा हो जा, तेरे मुंह कौन लगना चाहता है। मैं क्या बोल रही थी। इलीगल्स भी इंसानी होते हैं ना, उनके भी तो राइट्स होते हैं। चल इतना सा मसाला बहुत है बात का स्वाद बनाने के लिए, पर तुम्हें मैं फीकी फीकी से एक बात बताऊं। आई एम सो सॉरी, जैक मेरे पास भी है नहीं। तो ऐसा कर, मुझे विंजल तक राय दे दे। ये क्या हो रहा है? चल गेट लॉस्ट। अरे नीचे उतरो। कैसे बंदर गया जैसे चढ़ गई ट्रक पे छलांग लगा के। 8 तुझे सुनाई दे रहा है। 6 5 4 दाया हाथ सिर पे रख के खुजाओ थोड़ा। थोड़े धान निकालो बाहर। अब खुजाओ तो। अब लग रही है पूरी बंदरिया। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में रहने से अकल नहीं आती, ऐसे धक्के धुके खा के बंदरिया बन के फिर अकल आती है। मुझे एक शादी में जाना है, प्लीज मुझे जल्दी पहुंचा दो। अगर एक शादी पे जाकर चाट पापड़ी और मंचूरियन नहीं खाओगी तो पतली नहीं हो जाएगी। ओ अब क्या हो गया तुझे? वो लड़की बेचारी लिफ्ट मांग रही है ना। लिफ्ट ही है, दे देते हैं। तू मुझे लेट करवा देगा यार, पीछे ही पड़ गई है तू मेरे। लिफ्ट देनी है, घर थोड़ी लेके जा रहा हूँ उसको। हाय जी, कहाँ जाना है? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, वैन से बाहर निकल। क्या कह रही है, बीच में बैठेगी? कह रही है चुप करके गाड़ी से उतर जाओ, नहीं तो वो गोली मार देगी हमें। चक्की जी डॉलर कहाँ है मेरे? रिलैक्स। कौन से डॉलर यार, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो डॉलर तो तुझे देने होंगे।
मैं बोल रहा हूँ इसका दिमाग खराब हो गया यार। कौन से डॉलर यार तेरे? मर के देगा या जीते जी? मेरे ख्याल से जीते जी देगा तो फायदे में रहेगा। यहाँ तो बातें ही बड़ी होती हैं, फायदा तो कुछ नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। मेरा तो गांव ठीक था। तेजा के $3,00,000 दे। तेजा के $3,00,000 कहाँ है बता? तेजा के $3,00,000 कहाँ है बता? भाई जी गुस्सा मत करो, नस चढ़ जाएगी। इसको क्या हो गया? चाचा मैं कहता हूँ वापस चलो, ये कुल्फी वाला तो भरी बंदूक वालों को बकर की तरह दबाए बैठा है, हमारे पास तो फिर भी खाली है। वो पैसा तो हाथ की मैल है बाबू। चलो 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 जल्दी करो, पुलिस आ गई। चलो चलो जल्दी निकलो, पुलिस की गाड़ी आ गई। चलो 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 निकलो इधर। भाई जी, भाई जी उठिए, उठिए भाई जी, भाई जी आइए इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। क्या है? ये कैसे काम पकड़ के रखे हैं तूने? मैं तो तुझे बहुत शरीफ और मेहनती इंसान समझ रही थी। अगर सुनसान सड़क पर लड़की की मदद करना बदमाशी है तो यार हूँ मैं बदमाश। ओ मैं उस लड़की की नहीं, उन गुंडों के बारे में बात कर रही थी जो तुमसे डॉलर मांग रहे थे। यार मुझे क्या पता कौन से डॉलर की बात कर रहे थे वो। हाँ हाँ, चोरी करके रातों रात अमीर बनना था ना, ब्लडी क्रिमिनल। ओ हेलो, चोरी के पैसों से अमीर बनने का मुझे कोई शौक नहीं। अच्छा 5 एकड़ मेरे कुएं पे हैं और 2 एकड़ नहर पे, 3.5 लाख की बासमती यूरिया, 50,000 की सब्जियां, सालाना इनकम 4,00,000 रुपया है। मेहनत से खेती करता हूँ, हक की खाता हूँ, करती बड़ी बड़ी बातें। पैसे से अमीर नहीं बनता आदमी, नियत से अमीर बनता है, नियत से। हाँ हाँ, ये शोर कहीं और जाके मचाना, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारी ट्रक में बैठ के। अब शर्म भी आ रही है तुझे? वाह, मुझे लगा सिर्फ जुड़ो कराटे आते हैं तुझे। तू ना मेरी मुंह लगने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों लगूं तेरे मुंह? तुम्हारे मुंह लगने के लिए मुझे ट्रक की छत पे चढ़ना पड़ेगा। 3री मंजिल पे मुंह लगा है तुम्हारा, ऊपर से छोटा सा नाक रखा उस पर। तुम्हें ज्यादा बोबो करने की जरूरत नहीं है, मुझे शादी में छोड़ दे, दफा हो। जैसे हाथ पैर चलते हैं ना तुम्हारे, वैसे थोड़ा दिमाग भी चला ले। जहाँ शादी पे रही है, कपड़े ऐसे डाले हैं जैसे ट्रैक्टरों के वर्कशॉप में मैकेनिक लगी होती है। यार फटी जींस पहनता है कोई? मैं शादी देखने नहीं, तुड़वाने जा रही। हेलो, अरे सुन सुन मेरी बात। ये शादी करवाने वाला तो बिचौला हुआ, और तुड़वाने वाला कौन होगा? अरे पैसा तो बहुत बनता होगा इस काम में, मान जा। तूने जितनी जबान चलाई है ना, तुझे थैंक यू बोलना तो बनता ही नहीं है। पैसा तो बनता है, मान जा। बेवकूफ। चल हमारे पास कौन सा कम है पैसा? ये टायर को क्या हो गया यार? अरे तू मुझे पूछेगा नहीं, मैं शादी तुड़वाने क्यों जा रही हूँ? तुझे लगता है मेरे दिमाग में खीरा लगा है? मैं क्यों पूछूंगा तुझसे? अरे जा यार अपना काम कर जाके। राजवीर वही लड़का है जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट हुई थी, पर मैंने शादी नहीं की उसे। फिर तो लड़का बच गया, अब तुम्हारा बदला लेना बनता है, जा तू ले ले। नहीं तू भी मेरे साथ आ सकता है। तू फसलों की वो बीमारी है जो दवाई डालने के बाद फिर से घूमकर वापस आ जाती है। अपना बिजनेस आप हैंडल करो। You suck at life, hardcore. अरे जा जा, get lost. Otherwise I put your nose in the panna and make the kukra. बढ़िया ही मुझे सुनाने वाली। थाली में खाया उसी में होल। मैंने लिफ्ट दी और मेरी ही चाबी चोरी।
सत श्री अकाल। ऑस्ट्रेलिया में शादी टूटने लगी है, नजारा देखने का मजा आएगा कि नहीं? ठंडा ठंडा कोका कोला, गरम गरम टूटती हुई शादी, लंबा सफर है, थोड़ा एंटरटेनमेंट ही सही। चलो अरे ये कोका कोला ठंडा लेके आओ भाई। हाँ जी हाँ जी, मुबारक हो मुबारक हो। थैंक यू। क्या बात है, बहुत घबराए हुए हो? एक लड़की बहुत जानी पहचानी लगती है। कौन सी लड़की जानी पहचानी लगती है? अरे आज तो तेरी अपनी शादी है, लोगों की लड़कियां देखना छोड़ दे। अरे भाभी है वो तेरी, अपनी भाभी के पीछे घूमना छोड़ दे। वो मेरी भाभी बैठी है, चल उसके पास। ठीक है भाई, नमस्ते। अरे इधर किधर जा रहा है? भाभी तेरी वो बैठी है इस तरफ, अपनी शादी में ही भटकता फिर रहा है। बिल्ली के जैसे उसके पीछे जाना छोड़, तेरा प्लान बता क्या है? प्लान है नहीं तुम्हारे पास? अब ये भी मुझे सुनना पड़ेगा? ओ सुनो, कपड़े नहीं डाले? ये कुर्ता क्या पतंगों की दुकान से बनवाया है? पजामा भी ऊंचा है। नखरे मत कर, जाके लोगों का दिल बहला। और सुन, नाच टंगाना आता है कि नहीं? साथी अपना तो से की उठना, बैगी दूर की तैयार। ओ हीरो, यहाँ शादी हो रही है, आग नहीं लगी है। ये ले चल, बड़ा आया सरदूल सिकंदर। सूट तूने छोड़ दिए पापलीन के, घुटने घिसा दिए तूने जींस के। सूट तूने छोड़ दिए पापलीन के, घुटने घिसा दिए तूने जींस के। कांच की तेरा मोती सुच्चा हो गया, जट का पजामा आज उच्चा हो गया। जट का पजामा आज उच्चा हो गया। जट का पजामा आज उच्चा हो गया। हवा कैसी लगी तुझे चंडीगढ़ की, शीशे में बनाए पोज देखो लड़की। हवा कैसी लगी तुझे चंडीगढ़ की, शीशे में बनाए पोज देखो लड़की। आज रुतवा ये तेरा बड़ा ऊंचा हो गया, जट का पजामा आज ऊंचा हो गया। जट का पजामा आज ऊंचा हो गया। जट का पजामा आज ऊंचा हो गया। बातें करने की है पोरियां, मीठी बातें करने की है पोरियां। पहने हैं चोटियों में तू डोरियां, मीठी मीठी बातें करने की है पोरियां। आज मेरे लिए प्यार तेरा ऊंचा हो गया, जट का पजामा आज ऊंचा हो गया। जट का पजामा आज ऊंचा हो गया। जट का पजामा आज ऊंचा हो गया। भाभी कहाँ गई? जाके ढूंढो। आ जाओ। Are you guys crazy? Is this a kidnapping? तेरा नाम क्या है? मैं जकी इंडिया से। तो तूने मुझे शादी से उठा लिया? तू पागल है? हिला हुआ है? ये मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानती है? मेरी बात, जिस लड़की से तू शादी करने जा रही थी ना, मुझसे पहले उसकी दो बार शादियां हो चुकी हैं। मेरी बातों को झूठ मत समझना। मुझसे पहले राजवीर की 3 शादियां हो चुकी है। हाँ जी, चौथे नंबर की खिलाड़ी हो आपका तो कांस्य पदक भी बनता। चलो चलो चलो। नहीं, मेरी सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी, पर जब मुझे राजवीर के बारे में सब कुछ पता चल गया, मैंने शादी से साफ इनकार कर दिया।
उबर को, आपका तो कांस्य पदक बन गया, चलो बैठो ट्रक पे। मतलब राजवीर मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहा था, मैंने सोचा ही नहीं था। अब बैठे ट्रक में। हमें कौन सी जल्दी पड़ी है ट्रक में बैठने की। कम इनसाइड। हाँ जी, हम अंदर जाके बात कर लेते हैं। हमें कौन सी जल्दी पड़ी है ट्रक में बैठने की। यार मेरे क्यों क्यों नहीं मार रही है? दो शादियां मैंने करवाई हैं। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मेरी दो शादियां हो चुकी है? भाई इसको लगता है जी, मैं तो लश्कारा प्रोग्राम के चक्कर में फंस गया। वहीं रहो। मेरी बात सुनो, ये देख मेरी एंगेजमेंट की फोटो। झूठ बोल रही है, मेरी दो नहीं तीन तीन शादियां हो चुकी है। तेरी किस्मत अच्छी थी जो बच गई। और एनीवेज, तुम सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी शादियां क्यों करता हूं। मेरे मन से आवाज आई थी, लश्कारा प्रोग्राम लंबा चलेगा। कुत्ते की तरह काम करते हो और बाद में मिलते हैं डॉलर 100 या 200। आसान तरीका है 30 या 40 लाख शगुन के तौर पर लो और पंजाब की लड़की से शादी कर लो, और उसके बाद फिर 2 साल, मेरे भाई 2 साल पूरे ऐश कर लो। असली नशा तब आता है, हाँ जी हाँ जी, जब कोई भोली भाली मासूम लड़की मिन्नतें करती है। राजवीर, कंधे थक गए भाजी, सीट नीचे रख लो भाजी। बस वो नशा, उसका मजा ही कुछ और है। आई जस्ट लव इट स्वीट हार्ट। किल दिस इमोशनल फूल्स। ओके ओके ओके। भाभी उन लोगों के साथ भाग गई क्या? थैंक यू वाहेगुरु जी, थैंक यू सोनी, थैंक यू जग्गी जी, तुमने सच में बचा लिया आज मुझे। हो गया थैंक यू, चलो नीचे उतरो। हाँ? है? अरे तुम्हारे चक्कर में मेरा थैंक यू हो जाना था। सारा गांव मेरी आस पे बैठा, मैं यहाँ पे लोगों की शादी तोड़वा रहा हूँ, दुल्हन ने किडनैप कर रहा हूँ मैं। वाह, सफल किसान यहाँ गोलियों से बच रहा है। पर मैं अब कहाँ जाऊंगी जग्गी जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई मुझे माफ करो, मैं आइसक्रीम बेचता हूँ, मैंने कोई बुटीक का काम नहीं खोल रखा जो लड़कियों को ढूंढता फिरूं। ओ मेशी मोटर, चल नीचे उतर। अरे नहीं, तुझे सुनाई दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, तू नहीं उतरेगी, चल नीचे। वो तो जानती नहीं जग्गी को। मत छोड़ मेरे बैग, मेरे बैग को फेंक दिया। मैं बोलता हूँ पीछे हट जा, मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा तेरे ऊपर। ओ ये तेरा गांव नहीं है, सारी उम्र जेल में सड़ेगा। अरे जेल तो जट के नानी हाल होते हैं, डराना किसी और को। जब से ट्रक में बैठ गया तब से क्लेश पे क्लेश करे जा रही है, क्लेश पे क्लेश। मेरी मजबूरी थी तेरे ट्रक में बैठना, तो दूर तेरे जैसों की मुंह ना लगूं मैं। 8 घंटे लेट हो गया मैं, यही मनुष कहीं की। अरे साइड पे हो जा, कहीं राजवीर वाला काम मैं ना कर दूं यहां पे। अच्छा तू मुझे मारेगा, देख मैं तेरी क्या हरकत है। अरे तुम छोड़ो एक दूसरे को, साइड प्लीज, एक सेकेंड। 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पक मेरी बेटी जी, एक सेकेंड अपना हाथ दो। क्या हो गया तुझे? एक सेकेंड अपना हाथ तो दो, एक बात करनी है। ओहो आप बात ही नहीं सुनते। जग्गी जी आपको इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करो, थोड़ा सा। अच्छा अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, अब लंबा सांस लो, टेक अ डीप ब्रेथ, और थोड़ा और थोड़ा सा और। इसे लंबा नहीं ले सकता मैं। अच्छा ठीक है, अब अपने आप को थोड़ा काम करो, इजी, टेक अ डीप ब्रेथ। हाँ अब आप धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, हाँ अपनी आंखें खोलो। दाश का नाम शतकार है जी, तूने सफेद कपड़े क्यों पहन रखे हैं? पहले तो तुझे कभी ऐसे देखा नहीं। आपने पहले कभी याद नहीं किया जग्गी जी। अब क्या करने आया है? आपकी मदद करने आया हूं। हाँ।
लो, ये काम मेरा है। हम वैसे मदद नहीं करते। तुम कैसे मदद करते हो भाई? प्यार से, प्यार से, प्यार से। अब पकड़ लो भूत की टांगे। चलो 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 आराम से। हेलो, भेजती हूँ मम्मी, थोड़ा सा टाइम। जग्गी इंडिया वाला। अभी भेजती हूँ। जैविक खेती में माहिर, जलंधर दूरदर्शन पर इंटरव्यू। दूध निकालने वाला किसान लोगों की औरतें निकालता फिर रहा है। पता लगा बिमला मैडम को, वो तो कहेंगे लड़का तो गया हाथ से। वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। मॉम का फोन? हाँ, फोटो मांग रही होंगी तेरी और अपनी जमाई की, भेज दे। अब शादी के बिना घर भी नहीं जा सकती। यही हाल मेरा है। वैसे भी मौसा मौसी ने मुझे जाने नहीं देना शादी करवाए बिना। वैसे एक बात कहूँ, लड़का तो ये भी बुरा नहीं है। कौन ये? जग्गी, आर यू मैड? बुरा नहीं, बहुत बुरा है ये। अगर बुरा होता ना तो हम दोनों को छोड़कर कब का चला जाता। लो और कर लो बात। बहुत हो गई यार समस्या। पर तेरे दिल में तो उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है ना? प्लीज, इसे शादी करने से पहले मैं कुछ खा के मर ना जाऊं। छी, ऐसे साफ दिल और सुंदर सरदार के लिए कुछ खाकर मरा जा सकता है। भाई मैं जा रहा हूँ कुछ खाने, इसको भूख लगी है, वो आ जाओ। चल निकल। आप आराम से खाओ बैठ के, टैक्सी पकड़ के ध्यान से घर चले जाना, ठीक है? मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। चलो, ओके। बहुत अच्छा लगा मिलके। पर अरे ठीक है, फिर हम मंगवा लेते हैं टैक्सी, पर फायदा तो कुछ नहीं होगा। राजवीर फिर से हमें पकड़ ही लेगा, और वैसे भी मेरे पास कैश नहीं है। हैं? तुझे बोला था लड़की को शगन पड़ जाने दे, इतनी जल्दी पड़ी थी तेरे को शादी तोड़वाने की वहाँ पे। चलो आओ, छोड़ देता हूँ आगे तक। अच्छा जग्गी जी, सुनो सुनो, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, ऐसे तो हम जल्दी पकड़े जाएंगे। देखो, 1, 2, 3, 4, 5 पांच कपड़ों से सफर निकल जाएगा? नहीं, एक हैंकी और दो नेल पॉलिश भी। मेरी तो मेहनत की कमाई ट्रक में पड़ी है भाई। वैसे तुम दोनों को एक बात रियलाइज करवाना चाहती हूँ कि मैंने इसकी शादी तुड़वाई है पर गोद नहीं लिया। अच्छा तो मैं हैंकी और नेल पॉलिश रहने देती हूँ, मैं मैनेज कर लूंगी। दीदी ने पहले भी खाने का बिल दिया था। थैंक यू। जल्दी करना यार दिल। दिलजोत, टाइम देखा है? अरे चल यार, मैं कहता हूं दिमाग ही खराब है लड़कियों का। जो बात मुझे ना पसंद बलिए, तू रहा कर वहां रजामंद बलिए। जो बात मुझे ना पसंद बलिए, तू रहा कर वहां रजामंद बलिए। तू जट की पसंद डोली लेके जाऊंगा, ना बदलूंगा जिंदगी में रंग बलिए। जो बात मुझे ना पसंद बलिए, तू रहा कर वहां रजामंद बलिए। जो बात मुझे ना पसंद बलिए, तू रहा कर वहां रजामंद बलिए। सबकी हलुक ये मित्रों की लुक पे, तुम्हारा हर हक होगा मित्रों के सुख पे।
की परवाना तू कर बल्लिए अपनी बनाऊ तुझे हुक जाक रुक पे जब लूंगा फिर तेरे संग बल्लिए होगा खुशी में बाजार सारा बंद बल्लिए जो बात मुझे ना पसंद बल्लिए तू रहा कर वहां रजामंद बल्लिए जो बात मुझे ना पसंद बल्लिए तू रहा कर वहां रजामंद बल्लिए मान बापू का रहे जग कुछ भी कहे मैं तो रखूंगा ख्याल सदा घर सत्कार का परवान वही प्यार सदा चढ़े जग में जहां प्यार की है भी निसी सुगंध बल्लिए जो बात मुझे ना पसंद बल्लिए तू रहा कर वहां रजामंद बल्लिए जो बात मुझे ना पसंद बल्लिए तू रहा कर वहां रजामंद बल्लिए चढ़के ट्रक बिच आई नी ओ मैनू सुख नी जाप दी स्टॉप 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 तुमने देखा नहीं लेडी बेचारी अकेली खड़ी है रोड पर मुझे लगता है उसे हेल्प की जरूरत है दिल जी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके जज्बातों भरे दिल की हम पहले भी इंसानियत के तौर पे गाड़ी रोक चुके हैं समझी आप हमने नहीं तूने रोकी थी देखो कैसे लिपटने को फिर रही है ट्रांसफार्मर की नंगी तार जैसे हाँ मैंने रोकी थी इंसानियत तौर पे गाड़ी सामने से ऐसे गोलियां चली थी जैसे किसी शहर का पागल बच्चा काउंटर गेम खेल रहा हो किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम भी तो हो सकती है प्लीज रोक दो एक बार प्लीज तू रहने दे पिछली बार भी उसने रोक दी थी और हम लोग फंस गए थे बहन जी कहाँ जाना है आपको नीचे उतरो हमारे पेशावर में कहावत है कि अगर दस्त लगे हो तो नारे में दो दो गांठ नहीं लगाने चाहिए और अगर पीछे बंदूक हो तो सुंदर लड़कियों को देखकर लार नहीं टपकानी चाहिए कर ली हेल्प अब हमारी हेल्प पता नहीं कौन करेगा बाबा जी पांच मास के साथ प्रसाद भी चढ़ाऊंगा प्लीज मुझे बचा लो इनको डिशू डिशू कर दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हसीन मंजर सुहाना सफर लाखों डॉलर और साथ दो दो दिलकश हम नशी अबे तुझे तो यहाँ नहीं सऊदी अरब में होना चाहिए था सऊदी अरब में इतने डॉलर नहीं बनते अरे जो वहाँ इतने डॉलर नहीं बनते इसका मतलब ये नहीं कि तो सब रियाज खान के डॉलर्स पर कब्जा कर ले अरे मैंने किसी के डॉलरों पे कब्जा नहीं किया यार अरे बंदे आप तीन हो नाम चार पाँच गिना रहे हो कन्फ्यूज मत करो चाचा जी असलम रियाज खान सत्तरनाजी मेरा अकेला का नाम है और ये सब तो मेरे चमचा लोग है सुरमे वाले भाई तेरे को कहीं देखा है मैंने नहीं देखा है चलो ये अफसर नियाज सत्तर अली खान ओए असलम रियाज खान सत्तर खान ओए तूने तो मुझे ही भुला दिया यार ओए चल छोड़ तू पठान चाचा बोल और बात आगे बढ़ा पठान चाचा मेरे पास लाखों डॉलर तो है नहीं मेरे पास 135 डॉलर है $5 मेरे पास छुट्टे पड़े हैं देखो है जी बाकी तुम्हारी वो दिलकश वाली बात ज्यादा समझ नहीं आई पर मुझे इतना सा पता लगा कि आपको ये जेलस है कि मेरे साथ दो लड़के हैं पर ये कोई इतना बड़ा जुल्म नहीं है कि आप मुझे गोली मार दो तेरा जुर्म इतना छोटा नहीं है छोटे कि तुझे प्यार से छोड़ दिया जाए ओए कोचे नहीं मानेगा इसका टांग चाचा नो चाचा ज्यादा तैश में आने की जरूरत नहीं है गोलियां हमारे पास नहीं है ओए बकवास बंद कर मैं अपना नाम का खौफ पैदा कर रहा हूँ पठान चाचा मेरा तो कोई कसूर नहीं है ये तो मुझे खुद किडनैप करके लेकर आया है मैं तो पहले ही बहुत प्रॉब्लम में हूँ मैं जाऊँ प्लीज तुम दोनों जा सकते हैं ठीक है थैंक यू ओए ग्रुंडी सुडी गोली चलेगी अगर डॉलर नहीं मिली तो मैं पांच तक ही गिनूंगा क्योंकि गिनती मुझे पांच तक ही आती है और बीच बीच में मैं भूल भी जाता हूँ पांच चाचा नौ एक से शुरू करो मुझे उल्टी गिनती का शौक है चार तीन दो जल्दी ओए 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 यार चाचा मैं तेरे को बहुत जोर से बंदूक मारूंगा अगर ओए पहले तू मेरे को बंदूक ही मार दे ओए पहले तू मेरे को बंदूक ही मार दे चक्की जी आ रही हो ओके अरे तेरे डीडीटी डालूं मैं सुंडी ओ ये क्या हो रहा है
मौसम एंजॉय कर रहा हूँ। अपनी कौन से जन्मों का लेखा देना था जो तुझे ट्रक में बिठा लिया मैंने। सारा ऑस्ट्रेलिया बंदूकें लेके मेरे पीछे ऐसे घूम रहा है कि जैसे मैं इनके कांटों का बच्चा लेके भाग गया हूँ यार। वो कहना क्या चाहते हो इडियट? वो जो झोली में अपना बच्चा डाल के ना लंबी लंबी छलांग लगाती है ना यार। जग्गी जी वो कैंगरू होता है। हाँ वही। सुन, अगर तू लोगों के लाखों डॉलर लेके भाग जाएगा ना तो बंदूक वाले पीछे पड़ेंगे ना। चोरों के साथ ना अक्सर ऐसे ही होता है। मैं उठा के वो पीछे आइसक्रीम वाले डब्बे में डालूंगा अगर मुझे चोर का तो। अच्छा जग्गी जी, मुझे ट्रस्ट है कि आपने चोरी नहीं की, पर कोई रीजन तो होगा ना जो इतने सारे लोग आपसे डॉलर वापस मांग रहे हैं। नहीं यार, मुझे 1.5 करोड़ गाँव में देना है। 3 लाख डॉलर मुझसे तेजा मांग रहा है। ऊपर से पठान को भी मेरे से डॉलर चाहिए यार। यार मैं सबल किसान हूँ यार, वेस्टर्न यूनियन नहीं हूँ। ऑल आई नो इज मैं किसी लुटेरे के ट्रक में नहीं बैठने वाली। पता नहीं आइसक्रीम बेचने के बहाने क्या क्या बेच रहा होगा। बताऊँ तुझे मैं क्या बेचता हूँ? ये देख स्ट्रॉबेरी, ये देख पतीली, ये ले मैंगो खाना, ये ले चोको। जी इतने सारे डॉलर आपके ट्रक में कैसे आए? डॉलर्स? मैं किसी रॉबर के ट्रक में नहीं बैठूंगी, लुटेरा कहीं का। देखिए गाड़ी मत रोकना, पीछे पुलिस लगी है। डॉलरों की गठड़ी पीछे पड़ी है, देखता क्या है? देखता क्या है? भगा एयरपोर्ट की तरफ ट्रक। मेरे हिसाब से वो पाप की गठड़ी। ओए ओए, बन जाने दे उसका कुछ, बन जाने दे। 4 पैसे आ जाएंगे, जमीन आ जाएगी, शादी हो जाएगी उसकी, जिंदगी सफल हो जाएगी उसकी। जगी इसकी बातों में ना आना हो, डॉलर उठा चल मेरे भाई गाँव को। हमें हमेशा जिंदगी में सफल होने के लिए सबर और संतोष के रास्ते पे चलना पड़ता है। क्या बकवास करता है तू? मैं अभी तुझे गुड्डों के नीचे लेके सबर संतोष निकाल दूंगा तेरा। मंदा बोल ना बोलिए, करता रोन डरिए। ये कहां से पल्ले पड़ गया मेरे संस्कारी? निकल यहां से, तेरी कोई जरूरत नहीं है मुझे। अरे जग्गी भाई, अगर बॉर्डर पर जंग ना लगी हो तो सरकार फौज को घर नहीं भेजती, साथ रखती है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अरे तू रिटायरमेंट ले ले फिर, तुझे बोला ना निकल यहां से। वाह वाह, क्या डिसीजन लिया है जग्गी जी, बहुत अच्छा किया है। तू भी निकल यहां से। अरे जा यार कहीं सत्संग कर जाके। यार 2-in-1 दिमाग खा गए मेरा। ओए चढ़ा दे, रुक क्यों गया? सारी दुनिया ही गुस्से में फिर रही है। अरे क्या हुआ, बहुत गुस्से में लग रहा है तू? जिसका घर बिक रहा हो वो तो गुस्से में होगा ना, जा अपना काम कर। जस्टलिन लिटिल एंजल ऑर्फनेज से लाइव रिपोर्ट कर रही हूँ। ऑक्शन शुरू हो चुका है, अब बच्चों के लिए फैसला कौन करेगा? ये बच्चों के लिए बहुत दुख की बात है। पीपी क्या कर रहा है? अगर खिलाने तो खिला दे ब्रो। बोल भी टेढ़ा रहा है और कहता भी ब्रो है। कौन सी हुई चीज लग रहे हो सरदार जी? बंदा होशियार है, सरदार के साथ जी लगाता है। What would you like, सरदार जी? ऐसे बात नहीं बनेगी, कोई अच्छा सा फ्लेवर निकाल। फ्लेवर? कौन सा? कोक फ्रूट। कोक फ्रूट? हाँ, दे हमें कोक फ्रूट। उठा कोक। ये चक्कर क्या चल रहा है यहाँ पे? जो आदमी हमारे ऑर्फनेज को फाइनेंस करता था वो तो आउट हो गया, और उसके लड़के ने हमें आउट कर दिया। आज हमारे ऑर्फनेज की ऑक्शन है। Next. Next.
song to the kids. कैसे लाल होती है, तुझे बोला ना भाग जा यहाँ से, मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा, अगर पीछे है ना तो देख लेना। नेक सरदार जी, नेक सरदार जी। हेरॉल्ड के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। कैसे इसने ऑर्फन हाउस को बचाया, ये खबर पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल गई है। इसने ऑर्फनेज के बच्चों को जिस तरह बचाया, ये खबर पूरे इंटरनेट पर फैल गई है। ये नेक काम जिसने किया है, वो आदमी पंजाब का एक मामूली किसान है और दुनिया भर में उसे लोग नेक सरदार जी कह रहे हैं, और इसी वजह से वो लोगों की नजरों में एक मसीहा बन गया है और हर जगह लोग उसकी सरदार जी। ओए सरदार जी, आप इतने उदास क्यों हो? वो मुझे नाम बता कर नहीं गया। किसकी बात कर रहे हैं आप? वो आइसक्रीम मैन। शुक्र है भगवान का तेरा टायर पंक्चर हो गया, नहीं तो मैं तुझे कहाँ ढूंढती। अगर तेरे किराए के पैसे कम हो रहे हैं तो मेरे पास भी नहीं है, जितने मेरे पास पैसे थे मैंने सारे खर्च कर दिए। पता है मुझे, जब से वो मनहूस मेरे ट्रक से उतरी है ना, भगवान का शुक्र है सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ। मुझे भी ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तूने कपड़े देखे उसके? ना शूज की बेल्ट के साथ मैचिंग, इयररिंग्स की टॉप के साथ मैचिंग नहीं, और तो और नेल पेंट की किसी चीज के साथ मैचिंग नहीं। चलो मैंने मुंह पर नहीं बोला, पर अंदर से तो फील होता है ना। मैं तो शुक्र करती हूँ कि मेरी शादी टूट गई, नहीं तो मुझे पूरी लाइफ गिल्ट फील होता रहता कि मेरी शादी पर कैसे कैसे लोग आए थे। ये कौन सा स्टेशन पकड़ लिया इसने? अब आपने भी तो कितनी अच्छी मैचिंग की हुई है कुर्ते की पगड़ी के साथ। और देखो लोग कहते हैं कि लड़कों को अकल ही नहीं होती मैचिंग की, ऐसे ही लड़कियों को ना अकल होनी बहुत जरूरी है मैचिंग की खासकर। जगी आइसक्रीम। ओ कुल्फी वाले, मैं शादी वाला लड़का बोल रहा हूँ। अरे भाई मैंने कुल्फियों का काम छोड़ दिया। ओ, मुझे पता है जब शादियों में आइसक्रीम खत्म होती है तो लोग सबसे पहले दूल्हे का ही सेहरा फाड़ते हैं। पर मैं बहुत अफसोस के साथ बोल रहा हूँ कि मैं होम डिलीवरी नहीं कर पाऊँ आइसक्रीम की। डिलीवरी आइसक्रीम की नहीं, दिल चोट की चाहिए। इस वक्त सोनी मेरे पास है, मार डालूंगा इस सोनी को। राजवीर भाई साहब, अरे मार दो मार दो, मैं आपके साथ ही हूँ। अरे मैंने नहीं हंगामा किया था आपकी शादी में। अरे अगर मेरे पास रह जाती तो मैं खुद ही कीड़े मार दवाई देके मार देता इसको। तू पागल हो गया क्या? तेरे को लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये ले सोनी से बात कर। ओ मेरी बात सुन, अगर तू यहाँ आया ना तो एक बात याद रखना, तो तुम मेरे हाथों से भी नहीं बचेगा। पड़ा है। आवाज सुनी? आधा घंटा है तेरे पास। कौन है? क्या हुआ? गोली चल गई यार। पीछे ना देखो, तुम्हारी मंजिल आगे है। पीछे ना मुड़ो, तुम्हारी मंजिल आगे है। जाओ मरो। देखो आ गया बड़ा सरदार जी। तूने मेरी बीवी को शादी से उठवाया था, अब तू सारी कोशिश करके देख ले। अब मैं दिलजोत के साथ ही शादी करूंगा और तुम दोनों की कब्र यहीं पर बनाऊंगा।
भाई मंदा बोल ना करतारो। तेरी करतार वाली बात का मुझे पता है यार। मंदा बोल ना बोलियो, बंदे देख लो उधर कितना है, वो भी बंदूकें पकड़ी हुई हैं हाथ में। उन्होंने पहले हमारी पिटाई करनी है, फिर मार मार के यहीं दबा देंगे कहीं। जा जाके ट्रक में बैठ जा, दूसरे को भेज दे, जा भाग जा। पथरे आ जा यार। अरे पागल हो गया सरदार भाई साहब। मैंने देखा सफर में थकावट बहुत हो जाती है सरकार। यार मेरा उठने का दिल ही नहीं कर रहा आज। आजा यार लड़ाई होने वाली है। हम तो रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं। ये सफेद कपड़ों वाला खड़ा है, इसको साथ ले जा। आ गया। ना यार ऐसे मत कर भाई, पार्टी बहुत सॉलिड है यार, मुझे मारेंगे यार। मेरे से दो दो काम नहीं होंगे, एक को मार खाते रहो, एक हाथ जोड़ के खड़े रहो। अच्छा जब हम गाँव जाएंगे ना, बस वाले की पिटाई करेंगे, कंडक्टर को भी मारेंगे, ये मेरा वादा रहा तुमसे। नो चल मेले में जाके कुश्ती वाले को उठा उठा के मारेंगे। गुस्सा नहीं करना जग्गी जी, ये बात दिल के घर वाले को समझा दे जाके। जग्गी मैं जाकर बात करूं? मुझे लगता है ये आइडिया ठीक रहेगा, क्योंकि लड़ाई आप दोनों की है, मैं तो वैसे ही बीच में फंस गया, मैं तो पहले ही बहुत लेट हूं, जाके बात करो। लड़ी आइसक्रीम मैन, कुल्फी वाले सरदार, ये बात भाई जी ने गलत कर दी है। आ गया अतरा जी, अब आप संभालिए, अब होगा बराबर का हिसाब। आ जा। अरे मारो सरदार, चाहे फौज में ब्रिगेडियर हो, चाहे गेटकीपर, सरदार चाहे कनाडा में मेयर हो, चाहे पंचायत के मेंबर, काबुल से लेके कांगड़े तक के मालिक हो, चाहे दो किले ठेके पर हो, सरदार चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कुल्फी बेचने वाला, सरदार के साथ जी जरूर लगा। सरदार के साथ जी जरूर लगाना चाहिए। चलो दीदी, चलो दीदी, बहुत हो गया ड्रामा। ओहो मेरी तरफ क्यों देख रही है, मेरी बला से चाहे इसका सारा खून निकल जाए। हाँ तो फिर मैं भी क्या करूँ, मेरी भी ड्रेस ब्रांड न्यू है, तेरी वजह से मैंने हैंकी भी छोड़ दिया। बेटे मुंह गांव वाला तेरा, इनकी खातिर लड़ाई कर रहा है लोगों के साथ। हेलो, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इन्हीं मैं नहीं था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू, कैन आई टेक योर सेल्फी विद यू, Can I see the ice cream truck? Ice cream? Ice cream, yes. Yeah, yeah. Okay. Can I see the ice cream? Ice, please. अतरा तो आया ही था, मेरा जी चाह रहा है, तुम्हारे भी दो चार लगा ही जाता वो। ऑटो कर लेना अब। Yeah! अंधेरा मत होने देना। हाँ। Bye. Bye. टाइम से घर चले जाना। वो बहुत हो गया, रहने दो। तुम्हारी मंजिल यहाँ से 50 किलोमीटर यानी 1 घंटा दूर है। इतने पछड़े में पड़ने के बाद भी तुम्हारी मंजिल यहाँ से 50 किलोमीटर यानी 1 घंटा दूर है। काम से मानू इन बंदरियों के मैं, इनके चक्कर में मैडम ने तीसरी बार 1 घंटा बोल दिया। छोड़ो मैडम जी, ये तो दोनों बेकार हैं, इन बेकारों को कदर है काम की। अब चाहे रास्ते में डीटीओ खड़ा हो, ट्रक नहीं रुकेगा। अब बस ओ जी, ओ जग्गी, फोटो आ रही है। हाँ आ रही है, आ रही है, दिख रहा है सब कुछ। और रूप कैसी है? ले आजा, बातें तो कर ले। मल्टी कलर परांदा, पैरों में झांझा, जग्गी आ रहा है ना मजा। रब्बा कितनी क्यूट लग रही है। अरे खुश किया फौजी, इस बार जब मैं गाँव आया ना, तेरे को शरले वाली बंदूक ले दूंगा। देखा मेरा यार कितनी मेहनत कर रहा है गांव के लिए। वो तो दिख ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है, डबल डबल मेहनत हो रही है। ओ ये तो मेहमान है, और रास्ते में इन्होंने लिफ्ट मांगी थी,
अच्छा एक बात और, लड़कियां बहुत डीट हैं, उतरती नहीं। रुक। अरे उठो, सो ऐसे रही है जैसे ट्रक में इनका हिस्सा हो। ओ लेडी गागा, नीचे उतर के धक्का मार। हाँ हाँ जा रही हूँ। मैडम उतरो। नहीं यहाँ पे इनके नखरे नहीं खत्म हो रहे। ओ शादी खत्म हो गई है तेरी। अरे मार धक्का, जोर से लगाओ थोड़ा। धक्का भी मुझे ही लगाना पड़ेगा जाकर। तुम्हें धक्का नहीं लगाना था? बता तो देना था कि लाहौर पिशौर साहब आए हैं। चलो अच्छी बात आ गए। चलो धक्के वाली टेंशन तो खत्म हुई। चलो लड़कियों हम ट्रक में बैठते हैं, चाचा जी धक्का लगाएंगे। जिस धक्के की बात कर रहे कुल्फी वाले, धक्का तो आज तुझको मैं देने आया हूँ, वो भी जन्नूम में। कोई बात नहीं, जब उम्र हो जाती है तो सुबह चिड़चिड़ा हो जाता है। आपको क्यों तकलीफ दे चाचा जी। ऐसा करो आप सब लोग अंदर बैठो, आओ लड़के हम धक्का लगाएंगे। इस बार तेरी कोई होशियारी नहीं चलेगी, चलेगी तो सिर्फ पठान चाचा की गोली चलेगी। गोली चलेगी? सुरमे वाले भाई तुझे फिर मेरी बात पर गुस्सा आएगा। तू माने चाहे ना माने, मैंने तुझे कहीं देखा यार। ओ यार क्या बकवास कर रहा है तू, जब मिलता है बस यही बात करता है, मैंने तुझे देखा। अबे मैं कोई दो मुंह वाला कुत्ता हूँ जो तू मुझे देख के भूल नहीं रहा? अगर तूने अब बोला ना तो मैं तुझे खाली बंदूक मार दूंगा। क्या बात, गाँव से फोन नहीं आ सकता क्या? सफल किसान हूँ मैं फ्रॉम पंजाब यार, तुम्हारे जैसे मैं बंदूकों में गोलियां भर के नहीं फिर रहा। चाचा जी समझाओ यार। ओए उठा लेने दे, उठा लेने दे, उसके बाद इसको कंधे पर ही उठाना है। हेलो जग्गी बेटा, मैं नगमा आंटी बोल रही हूँ। बड़े चर्चे हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में तेरे, हर चैनल पे तेरी ही बात हो रही है। तुझे नोबल से का इनाम मिला है ना बेटा, एक बात बता तेरे पास इतने डॉलर आए कहाँ से? घर आकर बताऊंगा। अरे मुझे थोड़ी जानना है। तीन चार सूट बूट वाले बाबू आए हैं गॉगल शॉगल लगाकर, वो पूछ रहे हैं। ये कौन से बाबू आ गए? अब तंग कर रहे हैं, पूरे घर में दवाई डाल दी है, न कॉकरोच है न मच्छर है, फिर भी सोफे के नीचे घुस घुस कर पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। अरे जब मैं ट्रक छोड़ने आऊंगा सब कुछ बताऊंगा, किराया भी दे जाऊंगा। मैं फंसाऊं यहां भाई। नगमा आंटी भी ना बस। इधर मुंह करना जरा। ओए नगमा आंटी का लड़का है ना? कौन सी नगमा आंटी? ओए जिसका ये ट्रक है, बोलता क्यों नहीं है? ओए सुरचू ये क्या कह रहा है, ये ट्रांसपोर्ट किसकी है? अच्छा तो ये ट्रक नगमा आंटी का है जिसे ये चला रहा था, ये बात मुझसे छुपा के रखी। ट्रक की चाबियां कहाँ होती है? नगमा जानती है, जग्गी जानता है, या सिर्फ तू जानता था? जब ट्रक सीसीटीवी कैमरा में आया, जो ट्रक चला रहा था वो जग्गी नहीं था, और जो आदमी ट्रक में से उतरा वो भी जग्गी नहीं था, वो तू था। ओए सच सच बता दे डॉलर कहाँ है? ना पूछो चाचा, तेरे आंसू निकल जाएंगे। मैं इसको गोली मार के बात ही खत्म करता हूँ चाचा। अरे क्यों गोली बेकार करते इस जानवर को मार के? मुझे मार ही लेने दे चाचा। ओए भाईजान तुझसे गोली चलेगी नहीं, क्योंकि इसमें एक भी कारतूस नहीं है। मैं चाचा समेत सबको मार दूंगा यहाँ पे। मेरा खाना पीना हराम हो गया तब से। अरे मुझे बताना था ना इसमें गोलियां नहीं है। ओए सच सच बता दे डॉलर कहाँ है? ओ चाचा मैंने तो घर के गैराज में रखे थे। अम्मी ने शायद गलती से उठा के ट्रक में रख दिए। अब तू बता डॉलर क्या है? मैंने बच्चों को दे दिया वो। बाबा बहुत बड़ा काम किया, क्या बात है तेरी, क्या कहने तेरे दानवीर करण के। ओए तेरा कहीं दिमाग तो नहीं हिला है, सारे पैसे बच्चों को दिया आया। उनको जरूरत ही मैंने दे दिए। कभी कमा लिया तो कभी गंवा दिया, बस सारी उम्र इसी जद्दोजहद में निकल गई।
अब तो खालियात अपना वतन भी नहीं जा सकता। कोई बात नहीं चाचा, तुम शहर भी देखोगे और घर भी जाओगे। क्या मुंह लेकर जाऊंगा? अरे यही मुंह लेकर जाओगे, जब डॉलरों का बैग गंदे पर होगा तो यही मुंह अच्छा लगेगा। मुझे 5 लाख डॉलर मिल रहे हैं, थोड़े तुम भी ले लेना। चलो लगाओ गाड़ी, पीछे आ जाओ। अरे उठो अब, पहले कितनी आग लगी थी, अब बोल रहा हूं तो उठता नहीं है। तुम्हें अलग से समझाना पड़ेगा। अरे आ जा लेडी गागा, आ जा बैठो ट्रक में। चल मेरे भाई, अच्छे बंदे माला के बंदे, चल गाड़ी चला। अच्छा जग्गी, जग्गी तुझे 5 लाख डॉलर कहां से मिलेंगे? और तू क्यों पूछ रही है? मत पूछो, वैसे ही बैड लक शुरू हो जाएगा। तुम्हारी मंजिल से 5 किलोमीटर दूर रह गई है। ओ तेरी। अब सुनो, 5 लाख डॉलर कहां से आ रहे हैं बताओ? हेलो अंकल, टाइम से फोन किया करो, हमें भी सोना होता है। शेरी चल बोल नीचे रख, डांट खानी है तूने। आपने किससे बात करनी है? ओ जग्गी, मैं विक्की बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक फार्म से। पहचाना नहीं? जिन प्लांट्स में तूने अपनी बनाई हुई देसी खाद डाली थी ना, उन प्लांट्स ने 3 टाइम ज्यादा फसल पैदा की है और मुझे 5 लाख डॉलर्स का फायदा हुआ है। अरे तेरी बनाई खाद तो पॉपुलर हो गई है पूरे ऑस्ट्रेलिया में। लॉन्ग फोर्ज के 100 फार्मर्स ने इसी खाद का इस्तेमाल करके 3 टाइम ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। इन पैसों का असली हकदार तो तू ही है भाई। मैं हकदार हूँ? गोरों को पसंद आ गई मेरी खाद? विक्की भाई, ये जो 5 लाख डॉलर है, ये पंजाब का 1.5 करोड़ बन जाएगा? अरे बन जाएगा पगले, बन जाएगा। अच्छा तू एक काम कर, सब छोड़ और एड्रेस नोट कर पहले। हाँ जी, मैं अभी करता हूँ। C496 लॉन्गफोर्ड। लॉन्गफोर्ड, वो बड़ा प्रोग्राम रखा है, आना जरूर भाई। हाँ जी भाई, मैं टाइम से पहुंचाऊंगा। ठीक है, सत श्री अकाल। हाँ जी, हाँ जी भाई, सत श्री अकाल। तुम्हारी मंजिल यहाँ से राइट मुड़कर सिर्फ 100 मीटर दूर रह गई है। ओह माय गॉड, वाओ। बब्बू का फोन है। हेलो बब्बू, बब्बू ओ मैं पहुंच गया। आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हो, मुबारक हो। आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हो, मुबारक हो। आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हो, मुबारक हो। सोनी, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। चाचा मुझे लगता है जग्गी के साथ किसी ने मजाक किया है। वो फोन कट गया था, तूने सामान वान पैक कर लिया ना? आ रहा ना तू जल्दी से, यहाँ हमने गांव वालों को खबर कर दी है। सब तेरे आने की राह देख रहे हैं और हमने भांगड़े का भी प्रबंध किया है, बस तू जल्दी आ जा। बब्बू यार, ज्यादा इंतजार मत करा भाई, मैं पैसे पूरे नहीं कर पाया यार। तू आई नहीं दे रहा है, जमीन चली जाएगी बब्बू, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ यार। मैंने तो सारा गांव इकट्ठा कर लिया है, कुछ नहीं बचेगा। अपना भाई आ रहा है, बंगला पहुंची बंगला। मैं कौन सा मुंह लेके गाँव आऊंगा यार। हम इनके मुंह पे पैसे मारेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। अरे हम सब तेरी राह देख रहे हैं, तू जल्दी आ जा। हौसला रख मेरे बच्चे, अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ओए पगले, तुझे पता नहीं कि तूने मेरी जिंदगी नहीं मेरी सोच भी बदल दी है। पठान चाचा वापिस अपने वतन जा रहा है, खूबसूरत पाकिस्तान। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। चलो यारो,
अपने वतन को चलो। जग्गी, अब जो भी करेंगे ना साथ मिलके करेंगे। हाँ जग्गी। अगर इसके पास ट्रक की एक्स्ट्रा चाबी थी तो मेरे साथ तेरी शादी में क्यों आया? मेरे लिए तो आया नहीं था, तेरे लिए आया होगा। This is your final order, sir. Would you like anything else? ओ यार फरनेल ले आ जाके यार। Okay. Girls, क्या तुम भी उसी नोबल पार्टी में जा रही हो जहाँ हम जा रहे हैं? No, ma'am. We just need a lift to the bus stand. You know, he's the richest farmer around. And you know why? Because every farmer around here has used this homemade manure to produce plants. And farmers have made a big profit. This is my contribution. Roger, ye hamara contribution hai. Kya tu bhi wohi soch rahi hai jo main soch rahi hu? Stop, वो रहा जग्गी का ट्रक। उस पार्टी में बहुत पैसे होंगे, जग्गी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ ऐसा करते हैं, उसका ट्रक लेके चलते हैं, तब वो पीछे से जरूर आएगा। यार उसका कोई भरोसा नहीं। तो कर रहे पर ट्राई कर ले। चल चल ओए आजा आजा। रुक जाओ, चुपचाप वहीं पे खड़े रहो, अपने हाथ ऊपर ही रखो। हमें तुम्हें शूट करने की इजाजत नहीं है, लेकिन क्या पता कुछ भी हो सकता है। अब मैं तुम्हें हमारे देश ऑस्ट्रेलिया के नियम और कानून समझाता हूँ। ए, खड़े क्यों हो रहे हो, इधर उधर क्या देख रहे हो? ए, कहाँ भाग रहे हो? पकड़ो उसे। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। रुक जाओ, देखो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हेलो। हाय। थैंक यू सो मच। माय कंट्रीब्यूशन। थैंक यू। अच्छा तो ये बात है, ऐसे चलता है प्रोग्राम, सारे पैसे बैग में डाल रहे हैं। और जॉन ध्यान रहे कि ये बैग सेफ रहे, समझे? जी मैडम। जॉन सब काम मेरे को करने को बोलती है। आजा आजा, मैं पैसे निकालता हूँ, नल्प से जल्दी कर। हाँ तू बैग ढूंढना फटाफट, जल्दी करना, एक खाली कर, जल्दी कर। ये ले, मैं पैसे निकालती हूँ तो अंदर डाल जा, जल्दी कर। ये ऊपर क्या कर रही है? चाय जी, चाय जी, चाय जी, सत श्री अकाल जी। पियोगी जी? रुक रुक कोई आ रहा है। चोरी करने आई हो दोनों? नहीं तो? नहीं। देख। दिल मेरा ट्रक बाहर खड़ा है ना, अगर यहाँ पे तूने चोरी की नाम मेरा लगेगा। जो पैसे चोरी किया वो वापस रख दो। कहाँ है पैसे?
इसके दिमाग की मोटर खराब हो चुकी है, इसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार लड़की हो, ऊपर से तुमने कुकरी कोर्स किया है, किया ना? हाँ। जो पैसे हैं वो वापस रखो और तुम दोनों मेरे साथ चलो। ऐसे मुझ पर प्रेशर मत डाल, ऐसे तो मैं बता ही दूंगी कहाँ रखे हैं डॉलर। जगी, 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 क्या करे? मैं कह रहा हूँ ये पैसे हमारे नहीं है, बैग छोड़ दे। जगी छोड़ इसको, मैं कह रहा हूँ पंजाब मैंने जाना, तुम दोनों ने नहीं जाना, छोड़ो मैं फंस जाऊंगा यहाँ पे। अरे जितना करो यार, वो मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुन लो वरना जल्द सामने मुझे पंजाब नहीं जाने देना। यहाँ है, छोड़ दे इसे। क्या ये कैसे गिरा? सरदार जी नीचे गिर गए। आया कहाँ से? कुछ हुआ तो नहीं इसे? What happened? क्या हाल है जग्गी? तू किधर से क्रैश हुआ? विक्की भाई, सारे कब से तेरा वेट कर रहे हैं यार। विक्की भाई, जो आपने एड्रेस दिया था वहां तो आसपास कोई भी इंसान नहीं था, मेरा तो दिल्ली बैठ गया था भाई साहब। मैंने सोचा कुएं वाले विक्की भाई ने मौके का बदला ले लिया। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, पर एड्रेस तो मैंने तुझे ठीक दिया था। चार सौ छियासी लॉन्ग फोर्ड। चल कोई नहीं, आजा, कम ऑन ब्रो, आजा। ओ आजा, शर्माता क्यों है? आजा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। यहाँ आओ भाई मेरे, लेट मी इंट्रोड्यूस यू द गाय बिहाइंड दिस एंड दिस, द चीफ गेस्ट फॉर हुम वी आर ऑल वेटिंग फॉर, मिस्टर जग्गी। Now I would like to request my wife Harpreet to get all the contributed cash which only belongs to Mr. Jaggi. Now I would like to request Mr. Jaggi to share his experiences with you all guys. Nahi rehne do bhai. Wo aa ja, sharmata kyun hai? Aa ja. Apne hi log hain. बोल बोल, वो तू तो हीरो है इनका। सशिकल फार्मर्स, माइसेल्फ जगी कुए वाला सफल किसान फ्रॉम पंजाब। इंग्लिश सो सो, हिंदी ऊपर से हो जाती है, मींस हिंदी ओवरफ्लो। धन्यवाद जी, आप सबको खाद पसंद आई। आप सोच रहे होगे कि जग्गी कितना विद्वान है जिसने खाद की खोज कर डाली, पर आपसे क्या छिपाना, असल में ना तो मेरा काम मेरे गांव वालों को पसंद आया और ना ही ऑस्ट्रेलिया में कोई पसंद करता है। पर दूसरी तरफ खेती बाड़ी का प्रयोगों की बहुत रेल बना रखी है जी। मेरा गांव मेरा खेत वाले बिमला मैडम जी भी मेरे इस बात के फैन है। मेरे गाँव आए थे, मुझे ट्रॉफी भी दी, कहते थे कि जग्गी तू बड़ा होकर जरूर कुछ बनेगा। दुनियादारी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि किसान का हर सुख दुख उसकी फसल के साथ ही जुड़ा हुआ है। फसल बोकर ही ससुराल जाने का समय मिलता है। फसल कटी हो तो साडू के लड़के की लोहड़ी देखी जाती है। अगर फसल मंडी में डाल दो तो शादी जैसी खुशी मिलती है, और अगर फसल का भाव मिल जाए तो लड़का पैदा होने जितनी खुशी होती है, और फसल के सूख जाने पर या बाढ़ आने पर ऐसे लगता है कि जैसे सांस ही बंद हो गई हो। फसल के बर्बाद हो जाने पर किसान को जान नहीं देनी चाहिए, बल्कि और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि फसलों की रुतें तो दोबारा लौट आती हैं। गया हुआ इंसान दोबारा वापस नहीं आता। किसान को सोचना चाहिए, उसका बेटा एक और भी है। जैसे फसलें किसान के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही एक बेटा अपने बाप के बिना नहीं रह सकता।
मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि फसलों से भी प्यार करो और अपने परिवार से भी उतना ही प्यार करो। लव योर फैमिली। नहीं मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, नहीं मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, आपने पहले ही तालियां बजा दी। चलो अगर बजा ही दी तो बात खत्म कर देता हूँ। वैसे ये मत समझना कि जग्गी के पास बातें खत्म हो गई, बातें तो मेरे पास इतनी है जी, रूप और प्रीत भी हैंड्स अप कर देती हैं। रूप प्रीत भाई बेफेलोस, समय की कमी होने के कारण मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर वो रकम जो मेरी है मुझे मिल जाए तो मैं अपने गाँव निकल जाऊँगा जी, क्योंकि मैं मुझे अपनी ज़मीन बचानी है जी। मेरे गांव वाले मेरी राह देख रहे होंगे। शाबाश मेरे शेर, क्या गया तू तो, वेल डन। भाई साहब या यही पैसे हैं वो? Oh yes, thank you. मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, ये पूरा पैसा मिस्टर वाह सरदार जी वाह, कमाल कर दिया। $3,00,000 उठा के यतीम बच्चों को बांट दिया और वाहवाही लूट ली, बन गया नोबल सिख। तुझे क्या लगता है तेजा से बच के तू यूं ही निकल जाएगा? कभी हाँ कभी ना, डर गया। सीप कोई आखिरी इच्छा है? मेरा गांव जाने को दिल कर रहा है। पूरी बात सुन पहले, मैं कह रहा हूँ कि कोई आखिरी इच्छा है तो भूल जा, पहले ही मेरे पास आदमी कम है और काम ज्यादा है। अगर तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बोल, क्योंकि मेरे पास आदमी भी ज्यादा है और कोई काम भी बहुत ज्यादा नहीं है। पठान तू ओए कुश्ती से पहले हार जाने वाले, कहते जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ, और जिसने पेशावर नहीं देखा और नीचे फेंको अपने खेल खिलौने। पहले नीचे है चाचा। टैक्स या डालने के लिए इन्वेस्टमेंट की थी हम दोनों ने, और मालिक बन बैठा तेजा अकेला। तू निकाल मेरा हिस्सा। तेजा से हिस्सा निकालने के लिए शेर का जिगर चाहिए, हिम्मत है? चला गोली चला। जरूरी नहीं कि बात बात पर गोली चलाई जाए, बैठ कर भी बात हो सकती है। अरे है औकात, चला गोली तू। ओए तुझे फिर पठान चाचा की औकात का नहीं पता? जब मैं तेरी खोपड़ी में छेद करूंगा ना, तो तू बैठ के सोचेगा ये अंदर अंदर बारिश कहाँ से आ रही है। पर करे क्या, हमारे पास तो कारतूस ही नहीं है। ये हुई ना बात। खुशी हुई सुनकर, कारतूस बिना असला और दूल्हे बिना बारात किसी काम के नहीं होते। खड़ा करो सबको लाइन लाइन में तो खड़े हैं यार। जग्गी क्या ये हम सबको गोली मार देगा? अगर उसको गुस्सा दिलाओ तो उसकी गर्दन अकड़ जाती है। तेजा जी शर्म करिए कुछ, आप कहाँ के डॉन हो? ये 400 रुपए के स्पोर्ट शूज पहनने वाला गवार तुच्छा सा आदमी। तुम दिला गुस्सा से। तेजा जी आदमी तो आप ऐसे इकट्ठे करते घूम रहे हो जैसे कोई प्लेन हाईजैक करने वाले हो, पकड़ना तो इस गरीब कुल्फी वाले को ही है। बताऊं तुझे कुल्फी वाला? मैं बताता हूँ तुझे।
हिसाब होगा बराबर का हिसाब। गुस्सा नहीं जग्गी जी? सच बताऊं भैया जी, मुक्का तुम्हारे मुख मंडल पे लग रहा है, चोट मेरे दिल पर लग रही है, सच मानो। नो तुम बताओगे मैं कौन से कुएं में कूदूं? मुझे मुक्का मारना है या सॉरी बोलना है? अरे वो भक्ति लहर, साइड में आ जा। लड़के को छोड़ने का क्या लेगा? कौन सा लड़का अथरा जी? जग्गी को। यही सवाल मेरे पास भी आपके लिए, क्या लोगे आप जग्गी जी को छोड़ने का? दुनिया जूते से चलती है, देख रहा है ना? दुनिया का क्या है अथरा जी, दुनिया तो प्यार से भी चलती है। तू बिल्कुल ठीक कह रहा था पठान, खून खराबे में कुछ नहीं रखा। हम बैठकर बात कर सकते हैं? कर, अब कर जो भी बात करनी, बैठकर कर। ले पकड़ डॉलर और कारतूस खरीद लेना। शुक्रिया, अच्छा किया तूने पेशावर नहीं देखा। मुझे बुद्धू बना दिया। रंचू, ये थैला पकड़, अपने अम्मा को कह देना कि कुल्फी की तरह डॉलर को भी जमा ले। तेजा तेरा खोल लूंगा मैं, भेजा। अरे ना कर लड़की, ऐसे घर चली जा अपने। अरे क्यों झगड़ा कर रहा है बच्चे, तेरी तो उम्र भी नहीं है अब। कैच द डैम सरदार। सरदार जी, मंदा बोल ना बोलिए। तू ठीक कह रही थी, लड़का तो सच में अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, कुछ खाकर मर जाने जैसा। तुझे मरने की क्या जरूरत है, तेरी तो लाइफ सेट है। जग्गी और मैं दोनों रोड के लेफ्ट और राइट साइड में हैं, जो कभी भी नहीं मिल सकते। मिल नहीं सकते तो क्या हुआ, इकट्ठे चल तो सकते हैं। नहीं, मुझे पता है जग्गी तुझे पसंद करता है। पसंद तो करता है, प्यार पता नहीं करता है कि नहीं। तू भी ना, जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ तुझे भी वही लड़का पसंद आता है। इस बार मैंने सैक्रिफाइस कर लिया, आगे से नहीं करूंगी। आ गया देखना, जिसका नाम पहले लेगा ना वो, हाँ। मतलब प्यार उसी से करता है। ठीक है ना? रूप और प्रीत मुझे देख के बहुत खुश होंगी, हमारी जमीन भी बच जाएगी अब। तुम दोनों का धन्यवाद यार, अगर कुछ कम ज्यादा बोल दिया तो माफ कर देना यार, मिलके बहुत अच्छा लगा। पंजाब आए तो गांव जरूर आना, बुलेवाल खुर्द। हाँ, डाकखाना पायल, धन्यवाद। हिलना मत, वहीं खड़े रहो, अपने हाथ ऊपर ही रखो। फोन नहीं लग रहा है, क्या करूं? सर पंजाब
जो बिना मतलब के उसके इंतजार में इस खाली सड़क की तरफ झांक रहे हो है? अरे बाहर गया बंदा भी कभी लौट कर आया है? ओ, मुझे तो लगता है कि ये जग्गी ना किसी होटल वोटल में बर्तन धो रहा होगा। उसको तो पता नहीं दो टाइम की रोटी भी मिलती होगी या नहीं, और ये बेवकूफ इंतजार कर रहा है 1.5 करोड़ रुपए की। अरे वो भंगड़े वाले इधर आ, ये पकड़। चलो भाई, चलो भाई, चलो जाओ 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 जाओ, चलो निकलो। हेलो, हाँ जी सुनो भाई, जैसे कि सबको पता ही है, खुर्द वालों को 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए 6 महीने 7 दिन की मोहलत दी गई थी। इसकी मियाद पूरी हो चुकी है, बस 1 मिनट और 10 सेकंड बाकी है। इसलिए नहर वाली जमीन जो जग्गी कुएं वाले के नाम पर थी, उसकी मलकियत अब इनके नाम है। कोई नहीं आएगा, उतार दो, गिरा दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जग्गी, इसको संभाल ले यार, ये तो रो रो के पागल हो रहा है। ये नालायक तो पहले से आता था। ओ जग्गी, जग्गी, जग्गी तू ठीक कहता था। सही फैसले तो दिल से लिए जाते हैं, दिमाग से तो सिर्फ व्यापार किया जाता है। गिलो थोड़े ज्यादा ही होंगे। इतने रुपए? डॉलर। जाट और मूछ दोनों ऐसी चीज है सरपंच साहब, जो चढ़ती उम्र में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो सारी उम्र नहीं आती। खाद ही तो होगी ताया अपनी। ये तो अभी ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, कनाडा अमेरिका से तो आ रहे हैं अभी। और इंसानों वाली बात तो ये है थानेदार, जिस गांव में बेइज्जती हुई हो ना, उस गांव की तरफ दोबारा मुंह नहीं करते। तेरी कड़क दी राखी मुंडिया हुण मैं नहीं पैंदी। हाँ जी, कोई हैलो हाय बुलाएगा मुझे, कोई या नहीं बुलाएगा? रूप करे इतना गुस्सा करने वाली बात नहीं है, वो प्रीत भी तो समझती है मेरी बात। हैं? ठीक है फिर। ओ मैं सेलिया की सीआरपी को मुक्के मार के आया हूँ। किसके लिए? अरे तुम दोनों के लिए पागलो। हिलना मत, वही खड़े रहो, अपने हाथ ऊपर ही रखो। अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो सीधा जेल में डाल दूंगा। Have you ever seen Peshawar? No. अच्छा किया नहीं देख। जवान हो गया लड़का, संभाल लेगा जगी। अब वही खड़े रहो, हिलना मत। मार दूंगा मैं। ये थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है, मुझे लगता है जग्गी जी और आप संभाल लोगे, मैं चलता हूँ। Stop, stop. Put your guns down. Talk to your boss. जग्गी, मैंने इनके बॉस से बात कर ली है, ये तुझे किसी भी केस में अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ये तेरी हक की कमाई है, तुझे ही मिलेगी। सॉरी यार, हमें माफ कर दीजिए। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू, मामला सब सुलझ गया।